वेलकम, आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास में जो हम परिचर्चा कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। अब हम ऐसा करेंगे कि जो आपका चैट है या जो चैट का ऑप्शन है जिसमें आप लोग से जब मैं सवाल पूछता हूं तो आप उत्तर दे सकते हैं, तो उसको हम ऑन एंड ऑफ करते रहेंगे, है ना। उसको चालू करेंगे, उसको बंद करेंगे, ताकि आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो, फोकस करके आप जो है जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करें। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करता हूं आपको क्यों ऐसा कर रहे हैं हम। सपोज मान लीजिए कि आप क्लास में बैठे होते और मैं सामने होता, है ना, और मैं कोई चीज पढ़ा रहा होता और मान लीजिए कि मैंने कुछ बोला, 1 मिनट 2 मिनट कुछ बोला, उसके बीच में अचानक से कोई एक बच्चा अपनी बात रखता, फिर मैं 1 2 मिनट के बाद फिर बोलता, उसके बाद फिर कोई और बच्चा अपनी बात रखता। ऐसा करने से पूरी क्लास का कह सकते हैं कि जो फ्लो है वो टूटता है बार बार, है ना। तो उस चीज को एड्रेस करने के लिए एक बार चीजों को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर चैट को ओपन करेंगे। आप लोग अपनी बात रखिएगा, मतलब, और सवाल जो पूछूंगा उस पर आप लोग उत्तर दीजिएगा, उसके बाद फिर हम उसको ऑफ कर देंगे, फिर ऑन करेंगे। ऐसे ऑन एंड ऑफ करते रहेंगे ताकि मतलब आपको उसका उपयोग समझ में आए कि उसकी उपयोगिता है उसको। हर समय अगर आप लोग कमेंट करते रहेंगे तो सुनेंगे कब, है ना, समझेंगे कब। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा जो है उसमें डेवलपमेंट्स हैं या उसमें उस तरह से रेगुलेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। हर चीज़ को नियम से बांधना ज़रूरी होता है ताकि चीज़ों का बेहतर तरीके से उपयोग हो सके, है ना। चलिए शुरू करते हैं। जो कल की क्लास थी उसमें हम लोगों ने समझ लिया था कि वायुदाब की पेटियां होती हैं और इन वायुदाब की पेटियों का एक मौसमी जो है परिसंचरण होता है, उसमें शिफ्ट होता है ना, उत्तर और दक्षिण में शिफ्ट होता है। और कब शिफ्ट होता है, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के होने की प्रक्रिया में ये प्रेशर बेल्ट या वायुदाब पेटियां भी उत्तर और दक्षिण की तरफ शिफ्ट करती हैं। ये जो पीछे मेरे जो आप देख रहे हैं मैप है, वो एक दुनिया का क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र है या भूमध्य सागर का क्षेत्र है। इसका उदाहरण देते हुए मैंने आपको बताया कि कैसे यहाँ पर जो प्रेशर बेल्ट है, वायुदाब की पेटी है, वो कैसे यहाँ पर पूरे मौसम को निर्धारित कर देती है। कैसे जून के महीने में, जून जुलाई अगस्त के महीने में यहाँ बारिश नहीं होती है, खूब गर्मी पड़ने के बाद भी, और क्यों दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में यहाँ पर अपेक्षाकृत अच्छी बारिश होती है, है ना। इन सब चीजों को बताए थे, आगे भी चर्चा करेंगे। मतलब इस जलवायु के बारे में बहुत सारे पहलुओं के बारे में चर्चा करना है, बस अभी थोड़ी सी बात आपके सामने रखी थी वायुदाब के परिसंचरण के संदर्भ में। और भी पहलू है, उसकी चर्चा आगे की क्लास में करेंगे, क्लियर है। चलिए अब एक दो बातें आपके साथ इसी संदर्भ में कि हम अब लगभग लगभग समझदारी वाले पार्ट के 2-3 और हिस्से बचे हैं, उतना समझ लेंगे तो अपेक्षाकृत टॉपिक आसान हो जाएगा। अब आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने पहले भी आपके साथ चर्चा की है कुछ बातों की, तो आप लोग बड़े आराम से उसको समझ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमको अब जो समझना है, हमने वायुमंडल के परिसंचरण या वायुदाब पेटियों को तो समझ लिया कि वायुदाब की पेटियां कहां पर है, विषुवत रेखा पे उच्च दाब है या निम्न दाब है, 30 डिग्री के आसपास उच्च दाब है या निम्न दाब है, 45 से 65 डिग्री के बीच में उच्च दाब है निम्न दाब है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में उच्च दाब है या निम्न दाब है, है ना। इन सब चीजों को हम लोगों ने समझ लिया। अब अगला हमारा जो पहलू है वो ये है कि क्या दुनिया भर में जो वायु चलते हैं, है ना, जो भी पवने जो चलती हैं एक जगह से दूसरे स्थान पे, जो पवने चल रही हैं वो केवल इन्हीं जगहों से चलती हैं? क्या केवल 30 डिग्री से विषुवत रेखा की तरफ हवाएं चल रही हैं, या क्या 30 डिग्री से 45 से 65 डिग्री के बीच में हवाएं चल रही हैं? इनके बीच में क्या हवाओं का परिसंचरण नहीं हो रहा है? क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि 45 डिग्री से ही हवाएं जो है वो थोड़ा 40 डिग्री की तरफ चलें? क्या ऐसा नहीं हो सकता है, है ना? क्या क्षेत्रीय स्तर पर छोटे छोटे बदलाव नहीं हो सकते हैं? ये तो एक वृहद स्केल पे हमने देखा, एक पृथ्वी के स्केल पे हमने देखा कि वायुदाब की कुछ पेटियां होती हैं, लेकिन लोकल लेवल पे भी, या सामान्य रूप से कहें तो माइक्रो लेवल पे भी, हमको वायु के पैटर्न में बदलाव नजर आता है, है ना। वायु के पैटर्न में बदलाव नजर आता है का मतलब है कि केवल हम भारत को देखें तो कई बार भारत के पश्चिमी हिस्से से पूरब की तरफ हवा चलती है, कई बार पूरब से पश्चिम की तरफ हवा चलती है, लेकिन अगर हम केवल इन वायुदाब पेटियों को देखें और समझें तो लगना चाहिए कि एक बार हवा उत्तर से दक्षिण की तरफ चलनी चाहिए और एक बार दक्षिण से उत्तर की तरफ चलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पूरब से पश्चिम की तरफ भी हवाएं चलती हैं,
एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की तरफ, मतलब एक ही अक्षांश में एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ हवाएं चल रही हैं। तो जो मैं कहना या आपको कन्वे करना चाहता हूं वो ये है कि अगर हम सामान्य परिसंचरण की बात करें वैश्विक स्तर पर, है ना, ग्लोबल लेवल पे, तो डेफिनेटली हमको ये पैटर्न नजर आता है कि वायु दाब की पेटियों का ये एक ट्रेंड है, एक पैटर्न है। लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं या थोड़ा सा हम एक क्षेत्रीय स्तर पर थोड़ा और डिटेल में जाके देखते हैं तो हमको लगता है कि कुछ लोकल पवनें भी तो चलती हैं। जैसे मैंने आपको फॉन, चिनूक, है ना, हरमट्टन, बहुत सारे ऐसे आपको पवनों के बारे में बताया था, लोकल विंड्स के बारे में चर्चा की थी आपके साथ। वो क्या है? लोकल विंड्स हैं, बहुत ही स्मॉल स्केल पे या बहुत ही छोटे स्तर पर, एक क्षेत्रीय स्तर पर वो किसी क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो परिसंचरण है ना, जो परिसंचरण है, अगर हम वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण कहें या परिसंचरण, परिसंचरण मतलब मूवमेंट, है ना, कि पवनें एक जगह से दूसरे स्थान पे चल रही हैं, तो एक तो हमको नजर आता है, एक तो हमको एक सिंपली एक चीज नजर आती है, वो ये कि एक प्राथमिक है, प्राथमिक परिसंचरण है। प्राथमिक का मतलब है प्राइमरी, एक वृहद स्केल पे। इसके अंतर्गत ग्रही पवन प्रणाली को सम्मिलित किया जाता है, ग्रही प्रवण प्रणाली, पवन प्रणाली। ग्रही प्रवण प्रणाली का मतलब क्या हो गया? सिंपल कि 30 डिग्री से, मान लीजिए कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री से हवाएं विषुवत रेखा की तरफ चल रही हैं, 30 डिग्री से हवाएं इस 45 से 65 डिग्री के मध्य अक्षांश के बीच में चल रही हैं, 90 डिग्री से हवाएं इस 45 से 65 डिग्री मध्य अक्षांशों की तरफ चल रही हैं। प्राथमिक है ना, ग्लोबल स्केल पे जो हो रहा है। इसके अंतर्गत ग्रही पवने आएंगी, तो अभी इसको देखेंगे कि कौन कौन सी है। कुछ को पछुआ पवने कहते हैं, है ना, वेस्टर्लीज के नाम से किसी को बुलाया जाता है, कुछ को व्यापारिक पवनों के नाम से बुलाया जाता है, कुछ को ध्रुवी पवनों के नाम से बुलाया जाता है। इन्हीं वायुदाब पेटियों से निकलती हैं और चाहे उत्तर चाहे दक्षिण की तरफ चलती हैं, उनका कुछ हम नाम दे देते हैं। इनको हम प्राथमिक पवन कहते हैं क्योंकि वैश्विक या ग्लोबल लेवल पे हमको ये ट्रेंड नजर आता है। क्लियर हो गया? एक समझदारी प्राथमिक पवनों के संदर्भ में। अब इसकी चर्चा करेंगे थोड़ा विस्तार से। अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं या थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो द्वितीयक परिसंचरण। द्वितीयक परिसंचरण का मतलब है कि इन्हीं से, इन्हीं प्राथमिक परिसंचरण से जुड़ी हुई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर एक जगह होंगी तो सभी जगह होंगी, लेकिन इन्हीं में कहीं कहीं पर लोकल लेवल पे, इन्हीं स्थानों पर अपेक्षाकृत थोड़े स्मॉल स्केल पे वो होती है। जैसे कि चक्रवात, साइक्लोन्स, चर्चा करेंगे आगे। दो प्रकार के चक्रवात होते हैं, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय चक्रवात। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में संभवतः चक्रवात के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, आज की क्लास में नहीं करेंगे क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स और बताने हैं, फिर जाके हम चक्रवात पे आएंगे। तो अगर द्वितीय या अगर कहें कि एक वैश्विक स्तर से थोड़ा सा नीचे आए और थोड़ा रीजनल लेवल पे आए, क्षेत्रीय लेवल पे आए, तो हम देखते हैं कि कुछ जो है सीजनल लेवल पे या कुछ मौसम में हमको एक पार्टिकुलर अक्षांश पे दूर दूर तक कई बार कुछ पवनें लगातार प्रभावित करती हैं, है ना। उनका विस्तार अपेक्षाकृत वैश्विक तो नहीं होता है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर एक बड़ा होता है। इनको हम द्वितीयक पवनें कहते हैं। चक्रवात है, देखेंगे दो प्रकार के चक्रवात होते हैं, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय। प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन्स होते हैं, उसको देखेंगे। मॉनसून भी जो एक क्षेत्रीय ग्लोब मतलब एक रीजनल लेवल पे, जैसे भारत में जब मॉनसून आता है तो इसका यह मतलब थोड़ी ना कि भारत में ही जून जुलाई अगस्त के महीने में बारिश होती है, श्रीलंका में भी होती है, बांग्लादेश में भी होता है, नेपाल में भी होता है, भूटान में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, अफगानिस्तान में भी होता है, और थोड़ा पूरब की तरफ भारत के बढ़े तो म्यांमार में भी होता है, थाईलैंड में भी होता है, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में भी होता है। इसका मतलब है कि मॉनसून शब्द केवल भारत से नहीं जुड़ा हुआ है, ये जो पवन चलती है ये इस क्षेत्रीय लेवल पे दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की जलवायु को प्रभावित करती है। द्वितीयक पवन है, सेकेंडरी, वैश्विक लेवल पे तो नहीं है लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर इनका एक प्रभाव रहता है। ठीक है, चर्चा करेंगे इसके बारे में विस्तार से, काफी सारी बातें हैं। तीसरा है तृतीयक पौने, है ना, टर्शरी पौने या तृतीयक स्तर पर। इसका मतलब है कि इन पौनों का जो विस्तार होता है या जिस क्षेत्र पे प्रभाव करते हैं ये अपेक्षाकृत लोकल लेवल का होता है ना, पूरे देश पे ना होके किसी देश के एक छोटे से हिस्से पे होगा। क्लियर है? फॉन है, चिनूक है, हरमट्टन है, ये कुछ जो है तृतीयक पौने हैं, है ना, टर्शरी विंड्स हैं। इनका विस्तार बहुत ज्यादा क्षेत्रीय स्तर पर नहीं होता है, तृतीयक पौने। इनमें सभी स्थानीय पौनों को या लोकल विंड्स को सम्मिलित
किया जाता है, और मैंने लोकल विंड्स को लेके आपसे विस्तार से चर्चा की थी, क्लियर है। तो हमको क्या समझना है कि वायुमंडल का जो परिसंचरण है, या वायुमंडल का जो परिसंचरण है उसमें दो पहलू है, उसमें दो पहलू का उसमें दो पहलू है। उन दो पहलुओं में एक पहलू तो मैंने आपको बताया प्राथमिक, मतलब जो वायुमंडल का परिसंचरण है उसमें तीन पहलू हैं, एक प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा तृतीयक। प्राथमिक के बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। जो द्वितीयक पौने हैं, चक्रवात या एंटीसाइक्लोन्स या मॉनसून, इसको आने वाली क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। हर टॉपिक, चक्रवात 2-2.5 घंटे लेगा, मॉनसून अपेक्षाकृत और ज्यादा समय लेगा क्योंकि भारत के संदर्भ में भी उसकी चर्चा करनी होगी। आज थोड़ा बहुत आपको इंट्रोड्यूस करूंगा मॉनसून के संदर्भ में, जब जेट धारा के बारे में चर्चा करूंगा, क्लियर है। चलिए तो शुरू करते हैं, इन्हीं को देखना है, इन्हीं को समझना है। तो पहला है, ये जो पहला पहलू है वो है प्राथमिक पौने, है ना, प्राथमिक पौने। तो प्राथमिक पौनों को देखते हैं। प्राथमिक पौने या प्लेनेटरी विंड्स या ग्रही पौने, ये ग्रही पौने किससे जुड़ी हुई है, हमारी वायुदाब पेटियों से जुड़ी हुई है। जो हमारा वायुदाब का पेटी है उसी से जुड़ा हुआ है। जो हमने अभी तक वायुदाब की पेटी देखी थी, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर देखा था, तो हाई प्रेशर से ही हवाएं चलेंगी लो प्रेशर की तरफ, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो हवाएं होंगी वो हाई प्रेशर से ही लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। तो यहां पर अगर मैं प्राथमिक पौनों या प्लेनेटरी विंड्स की बात करूंगा तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमको मालूम है कि ये जो एरिया है ये 30 डिग्री का एरिया है, सपोज 30 डिग्री अक्षांश का एरिया है, और अगर ये 30 डिग्री अक्षांश का एरिया है तो यहां पर क्या हो रहा है, हवाएं नीचे की तरफ आ रही हैं, हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ बैठ रही हैं, और हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ बैठ रही हैं तो क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया है। हाई प्रेशर हो गया है तो हमेशा हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। हमको मालूम है कि विषुवत रेखा पे लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर है का मतलब है हवाएं ऊपर उठ रही हैं, और यहां पर क्या हो रहा है, हवाएं नीचे बैठ रही हैं। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी तो हवाएं ऐसे चलना शुरू हो जाएंगी, और इसको हम कह सकते हैं क्या, ग्रही पौने पूरे ग्रह पे प्रभावित करती हैं, यानी कि इस 30 डिग्री अक्षांश से हवाएं पूरे ग्रह पे, है ना, सब जगह से विषुवत रेखा की तरफ चलेंगी, विषुवत रेखा की तरफ चलेंगी। तो ये एक पौन हो गया, ग्रही पौने। ऐसे ही ये हाई प्रेशर से जो हवा ऊपर से उतरेगी एक उत्तर की तरफ भी चलना शुरू होगी। क्यों चलना शुरू होगी, क्योंकि ये 45 से 65 डिग्री के बीच में क्या है, लो प्रेशर है, निम्न दाब का क्षेत्र है। क्यों, क्योंकि दोबारा से हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं, इसकी चर्चा मैंने आपके साथ की थी। तो यहां पर क्या होगा, यहां से हवाएं एक इस दिशा की तरफ चलेंगी। अब इस दिशा से चलेंगी तो इस पूरे अक्षांश पे 30 डिग्री से 45 से 65 डिग्री के बीच में हवाएं ऐसे चलेंगी, तो ये इस पूरे अक्षांश क्षेत्र में पूरे ही पृथ्वी पे लगभग ये हवाएं चल रही होंगी। तो हमने इनको क्या कहा, ग्रही पौने, पूरे ग्रह पे प्रभावित करती हैं, यानी कि इस पूरे अक्षांश पे एक पार्टिकुलर दिशा की तरफ हवाएं चलती हैं। प्राथमिक पौने या प्लेनेटरी विंड्स या ग्रही पौने, है ना, यहां पर वो पॉइंट्स कुछ कुछ लिखा हुआ है। प्राथमिक या ग्रही पौने क्या होते हैं, लगभग पूरे मतलब समान रूप से पूरे पृथ्वी पे ही संचरण होता है एक अक्षांश में, और लगभग पूरे साल भर एक ही दिशा से वो चलती रहती है। प्राथमिक या ग्रही पौने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, है ना, ये तो आपको बताएं, और वर्ष भर प्रभावित होती है उच्च दाब का क्षेत्र। बस इसमें थोड़ा सा मौसमी परिवर्तन होगा, ये उच्च दाब का क्षेत्र उत्तरायण में थोड़ा उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और दक्षिणायन के समय थोड़ा दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन हवाएं मोर और लेस जो है साल भर एक ही दिशा से चलती रहेंगी। वो पॉइंट लिखा है कि वर्ष भर इनकी दिशा प्रायः एक ही समान बनी रहती है, परंतु इनके क्षेत्रों में मौसमी स्थानांतरण होता रहता है, मौसम के साथ साथ इसमें स्थानांतरण होता है उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ साथ, ठीक है। इनका वितरण संपूर्ण ग्लोब पर होता है, सब जगह पे, महाद्वीप और महासागर सब पे इनका वितरण होता है, जिसके कारण इनको ग्रही पौने कहा जाता है। उस पार्टिकुलर अक्षांश में पूरे पृथ्वी के उस अक्षांशीय विस्तार पे उनका प्रभाव होता है, इसलिए हमने उनको ग्रही पौनों का नाम दिया है। कुछ नाम है, व्यापारिक पौने, पछुआ पौने, ध्रुवी पौने, यहां पर लिखा होगा। अब हमको उनके बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना है और हमारी समझदारी पौनों को लेके प्राथमिक स्तर पर क्लियर हो जाएगी, क्लियर है। देखते हैं अब एक एक करके। अब आसान है टॉपिक, मुश्किल नहीं है।
आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, जितना हम लोगों ने किया था पहले उसको ध्यान रखिए, और ध्यान उसको ध्यान रखते हुए अब इस पे फोकस करिएगा, टॉपिक आसान हो जाएगा। ठीक है, बस एक मिनट दीजिएगा। ग्रही पौने इसको समझाना था, तो मुझे एक पूरा का पूरा ब्लैंक शीट चाहिए था, है ना, ताकि मैं समझा पाऊं आप लोगों को ये पूरा चीज। देखिए, मान लीजिए ये पृथ्वी है हमारा, ये 0 डिग्री की विषुवत रेखा है, यहां पर क्या हो रहा है, अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, अत्यधिक गर्मी पड़ रही है तो हवाएं हल्की हो रही है, हल्की हो रही है तो ऊपर की तरफ उठ रही है ना, ऊपर की तरफ उठेंगी तो ठंडी होंगी, और साथ ही साथ पृथ्वी भी अपने अक्ष पे घूम रहा है, घूम रहा है तो ये हवा दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, है ना, घूमने के कारण इसका डायरेक्शन बदलेगा, और चूंकि ये हवा ठंडी हो गई है, ठंडी हो गई है तो वो लगातार नीचे की तरफ गिरेगी, तो चूंकि यहां से उठी है तो यहां गिर नहीं सकती क्योंकि लगातार यहां से हवा ऊपर की तरफ उठ रही है, तो ये हवा डिफ्लेक्ट होकर आगे जो बढ़ेगी वो कहीं पर जाके गिरेगी, ये ऊपर उठती हुई हवा लगातार ठंडी होती जाएगी, है ना, और यहां से जब हवा लगातार नीचे आ रही है तो गर्म होती जाएगी, ऊपर से हवा जब नीचे की तरफ आ रही होगी तो लगातार गर्म हो रही होगी, लेकिन ये लगातार हवा जो यहां पर इकट्ठी होती रहेगी, यहां पर ऊपर से लगातार यहां गिरती रहेगी, तो ये उच्च दाब का क्षेत्र बनाएगी, उच्च दाब का क्षेत्र, हाई प्रेशर का क्षेत्र, और ये क्या बन गया, लो प्रेशर का एरिया, निम्न दाब का क्षेत्र। क्यों बन गया निम्न दाब का क्षेत्र, क्योंकि लगातार हवा यहां से ऊपर उठ रही थी, ऊपर उठ रही तो नीचे एक खालीपन हो गया, और चूंकि यहां पर क्या बन गया, यहां पर एक स्लोप सा बन गया, है ना, दो स्थानों के बीच में एक ऐसा स्लोप बन गया, है ना, एक ढाल सी बन गई, किसका, दाब का, तो हमने क्या कहा, दाब प्रवणता, है ना, एक प्रेशर का ग्रेडियंट बन गया, एक स्लोप बन गया, तो इन दोनों के बीच में जितना ज्यादा अंतर होगा, ये जितना ज्यादा निम्न दाब का क्षेत्र होगा, ये जितना ज्यादा उच्च दाब का क्षेत्र होगा, ये ढाल उतना ही ज्यादा खड़ा होता जाएगा, और जितना ज्यादा खड़ा होगा ढाल, उतनी तेज गति से हवाएं बहना शुरू होंगी, और हवाएं जब बहेंगी तो इसके ऊपर कोरियोलिस बल काम करेगा, और कोरियोलिस बल काम करेगा तो ये दाहिनी की तरफ, दाहिनी राइट साइड की तरफ उत्तरी गोलार्ध में छिटक जाएंगी, ये हवाएं चलती रहेंगी, और वैश्विक स्तर पर इस 30 डिग्री से विषुवत रेखा की तरफ या ITCZ की तरफ ये हवाएं चलेंगी। इन हवाओं को एक नाम दिया गया, उनका नाम है व्यापारिक पौने। क्या नाम हो गया, व्यापारिक पौने। क्यों नाम पड़ गया व्यापारिक पौने, इनका नाम क्यों पड़ गया व्यापारिक पौने, है ना, ट्रेड विंड्स इनका नाम क्यों पड़ा, तो उसका मूल कारण यह है कि यहां जो एंशियंट पीरियड पे, है ना, जो सिविलाइजेशंस थे इस कर्क रेखा के आसपास, है ना, जैसे कि पश्चिमी एशिया, जैसे अफ्रीका के देश, वो इन वायु का इस्तेमाल करते थे विषुवत रेखा की तरफ मूव करने के लिए, यानी कि इन हवाओं का इस्तेमाल किया जाता था व्यापार करने के लिए,
तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, वैपानिक, व्यापारिक पौने, ट्रेड विंड्स, व्यापार करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है ना, ट्रेड विंड्स। क्लियर हुआ, इनको हमने व्यापारिक पौनों का नाम दे दिया। तो व्यापारिक पौने क्या है, इस उच्च अक्षांशीय क्षेत्र से 30 डिग्री से जो विषुवत रेखा की तरफ हवाएं चल रही हैं, चाहे वो यहां से चले दक्षिणी गोलार्ध में, चाहे वो हवाएं चले या उत्तरी गोलार्ध में हवाएं चले, इन हवाओं को हमने क्या नाम दे दिया, इन हवाओं को हमने नाम दे दिया व्यापारिक पौने, ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पौने। अब ये हवा यहां से ऊपर उठी और ये हवा आके नीचे बैठ गई, तो पूरा का पूरा ये एक सेल हो गया, एक सर्कुलर, पूरा का पूरा एक चक्र हो गया। यहां से हवा आई, ऊपर उठी और यहां आके नीचे गिर गई, फिर यहां से हवा नीचे यहां यहां तक चली, यही हवा यहां तक चली, फिर ये हवा यहां से ऊपर उठ गई, फिर ये हवा जो यहां से ऊपर उठी थी वो यहां नीचे गिर गई, ये पूरा का पूरा एक चक्र हो गया। इसका नाम क्या हो गया, हेडली सेल। इसका नाम क्या हो गया, हेडली सेल। यानी कि ये जो व्यापारिक पौने चल रही हैं, ये व्यापारिक पौने तब तक चलती रहेंगी जब तक ये चक्र विकसित रहेगा, जब तक ये लगातार स्थिति बनी रहेगी, यहां हवाएं उठती रहे, यहां हवाएं नीचे गिरती रहे, और उसके बाद धरातल पे ये परिसंचरण बना रहेगा। यानी कि जब तक ये हेडली सेल विकसित रहेगा तब तक व्यापारिक पौने चलती रहेंगी। क्लियर है? तो अगर यूपीएससी ये कहे कि जो व्यापारिक पौने हैं उनका, ये जो व्यापारिक पौने हैं वो क्षैतिज स्तर पर या धरातल पर चलती हैं और ये हेडली सेल का ही एक हिस्सा है ना, हेडली सेल का ही एक हिस्सा है, तो डेफिनेटली ये हिस्सा है, ये धरातल वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है। तो हेडली सेल का ही जो धरातल वाला हिस्सा है, जो 30 डिग्री 35 डिग्री से विषुवत रेखा की तरफ चल रहा है, इसको हम लोगों ने व्यापारिक पौनों का नाम दिया है ना, क्या, व्यापारिक पौने। अब चलिए आगे देखिए। इसी को यहां पर लिख दिए हैं, इसी पॉइंट को यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से इसको देखेंगे। उपोष्ण उच्च दाब का क्षेत्र, हाई प्रेशर का, उपोष्ण है ना कि गर्मी भी है और उच्च दाब का क्षेत्र है, यानी कि 30 से 35 डिग्री का जो इलाका है ना, उच्च दाब का क्षेत्र होता है धरातल के निकट। अभी बताए थे कि निकट वायु का अपसरण होता है और यह विषुवत वृत्त की ओर व्यापारिक पौनों के रूप में प्रवाहित होती है, व्यापारिक पौनों के रूप में विषुवत रेखा की तरफ आगे बढ़ता है। कोरियोलिस बल के कारण यह दाहिनी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है, राइट साइड की तरफ। कोरियोलिस बल के कारण इनकी दिशा उत्तर व दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः उत्तर पूर्व तथा उत्तर उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ होती है ना, सॉरी, उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ होती है। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, देखिए ध्यान से, इस दिशा के लिए क्या है, दिशा के लिए क्या करना है, दिशा के लिए सिंपल ये करना है कि हमको मालूम है कि ये नॉर्थ है, नॉर्थ, ये साउथ है ना, नॉर्थ साउथ हो गया, ये नॉर्थ साउथ और ये ईस्ट वेस्ट है ना, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि कोई हवा इस दिशा से चल रही है, यहां से चलना शुरू हुई है ना, या ऐसे हवा चलना शुरू हुई इस तरह से है ना, तो हमने क्या कहा, ये नॉर्थ भी है और ये ईस्ट भी है, तो हमने इसको क्या कहा, नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि हवा यहां से इस दिशा की तरफ चलना शुरू हुई, तो हमने इसको क्या कहा, उत्तर पूर्वी पौने। अब अगर हम यहां देखते हैं तो हमको क्या नजर आता है ना, यहां से हवा ऐसे दाहिनी तरफ डिफ्लेक्ट होती है और यहां पर अगर हम इस ईस्ट वेस्ट को जीरो डिग्री की विषुवत रेखा मान ले है ना, तो हम देखते हैं कि ये 30 डिग्री से जो हवाएं चल रही हैं वो बाई तरफ डिफ्लेक्ट होती है ना, लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्ट होती है, तो लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्ट होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो जहां से ये हवा चलनी शुरू हुई ये साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो हमने कहा इसको साउथ ईस्ट, और ये किधर की तरफ चल रही है, ये उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ चल रही है, तो ये उत्तर पूर्वी। तो इसका मतलब है कि ये जो व्यापारिक पौने इस जीरो डिग्री विषुवत रेखा की तरफ उत्तरी गोलार्ध में चल रही हैं, इनको हम उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौने कह सकते हैं, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौने। और ये जो हवा इस 30 या 35 डिग्री से
विषुवत रेखा की तरफ चल रही है, तो हम इसको दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पौने कह सकते हैं, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स या दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पौने। तो यहां पर 30 से 35 डिग्री से जो है विषुवत रेखा की तरफ, दोनों ही इन दोनों जगहों से विषुवत रेखा की तरफ हवाएं चल रही हैं और यहां मिलने के बाद ऊपर की तरफ उठ जाती है। इस दिशा से या उत्तर से जो ये व्यापारिक पौने चल रही हैं, इनकी दिशा उत्तर पूरब है, और दक्षिणी गोलार्ध में ये जो हवाएं चल रही हैं ये दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ रही हैं, और एग्जैक्ट इनका जो है वो कोरियोलिस बल के कारण इनका डिफ्लेक्शन लेफ्ट की तरफ हो जाता है, तो हम कहेंगे कि दक्षिण पूर्वी दिशा से ये हवाएं चल रही हैं। तो अगर यूपीएससी ये स्टेटमेंट दे कि जो वैश्विक पौने हैं या जो प्लेनेटरी विंड्स हैं उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, पहला लिख देगा कि व्यापारिक पौने उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी दिशा से चलती हैं, है ना, और दूसरा स्टेटमेंट लिख देगा कि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पौने उत्तर पूर्वी दिशा से चलती हैं। तो स्टेटमेंट रिवर्स है, उल्टा है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी दिशा से चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी दिशा से चलती हैं। क्लियर कैसे होगा वो आपको समझाती है, क्लियर है। चलिए मूव करते हैं आगे, ये पॉइंट लिखा हुआ है, है ना, दोनों तरफ से इनकी दिशा उत्तर व दक्षिण गोलार्ध में क्रमशः उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी हो जाती है, ये हम लोगों ने समझ लिया। विषुवत वृत्त पर ये दोनों हवाएं आके मिलती हैं, है ना, दोनों हवाएं ये यहां पर आके मिलती हैं, और इसी को हमने कल की क्लास में कहा था ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ध्यान होगा आपको, कल की क्लास में चर्चा किए थे ITCZ, है ना, कि एक अभिसरण का क्षेत्र, दो दिशाओं से हवाएं आके मिल रही हैं। अब जरा सोचिए कि ये जो हवा है, है ना, इधर से जो हवा आ रही है, इस इलाके से इधर हवा आ रही है, ये भी गर्म है, और इधर से जो हवा ऐसे चल रही है ये भी गर्म है, तो दोनों की प्रकृति क्या है, दोनों की प्रकृति तो समान ही है, ये भी गर्म है ये भी गर्म है, दोनों की प्रकृति समान है, ऐसा नहीं है कि इधर से गर्म आ रही है इधर से ठंडा आ रहा है, दोनों ही गर्म है, दोनों ही हवाएं गर्म है, और दोनों ही आके मिल जाती हैं अभिसरण का क्षेत्र। तो अभिसरण का क्षेत्र क्या है, 0 से 10 डिग्री उत्तर और 0 से 10 डिग्री दक्षिण, इन क्षेत्रों के बीच में ये हवाएं आके मिलती हैं। सूर्य के उत्तरायण के समय ये 0 से 10 डिग्री उत्तर हो जाता है, और कई बार ये 30 डिग्री तक इसका विकास हो जाता है, 30-35 तक भी ये चला जाता है, है ना। आप सोचोगे सर ने कह दिया 30-35, अभी ध्यान रखिएगा कि मैंने कह ये बात आपको कह दी है, भारत के मानसून में चर्चा करेंगे इसके बारे में। 0 से 10 डिग्री के बीच में इनका अभिसरण होता है, संगम होता है, सूर्य के उत्तरायण के साथ उत्तर की तरफ विषुवत रेखा के, और सूर्य के दक्षिणायन के साथ दक्षिण की तरफ इनका अभिसरण होता है। क्लियर है, तो यहां पर यही पॉइंट है कि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ से प्रवाहित होने वाली व्यापारिक पौने ITCZ या अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में अभिसरित होती हैं, मिलती हैं और फिर ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। इस प्रकार धरातल से ऊपरी वायुमंडल तक एक पूर्ण कोस्ट विकसित हो जाता है, ऊपर की तरफ हवाएं चलने लगती हैं और एक पूरा का पूरा सेल का निर्माण हो जाता है, है ना। इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित इस सेल को हमने क्या नाम दिया, इसको हमने कहा हेडली, क्योंकि एक हेडली नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया था और इसके बारे में बताया था। तो ये जो मैं आपको सेल की चर्चा कर रहा था कि पूरा का पूरा एक सेल विकसित हो गया, यहां से हवाएं नीचे की तरफ चली, इधर से भी हवाएं नीचे की तरफ चली, ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद ठंडी हो गई, और ठंडी होने के बाद दोबारा यहां पर आके गिरी। तो ये नीचे फिर ऊपर उठना, ठंडा होना, फिर नीचे गिरना, पूरा का पूरा एक चक्र है जो इस सिस्टम को प्रोपेल कर रहा है, इस सिस्टम को आगे बढ़ा रहा है, और इसका नाम पड़ गया हेडली सेल। क्लियर है, एक समझदारी बनी इसको लेके। चलिए, एक हम लोगों ने देख लिया कि जो एक प्लेनेटरी विंड्स है वैश्विक स्तर पर जो हवाएं चल रही हैं, उसमें से एक है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौने और दूसरा है दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पौने। इनको व्यापारिक पौने क्यों कहा जाता है, क्योंकि एंशियंट पीरियड में इस क्षेत्र में ट्रेड करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था, है ना, हवाओं के साथ जाना, उस पूरी प्रक्रिया में हमने इनको कहा व्यापारिक पौने। चलिए दूसरा आप देखते हैं, दूसरे पहलू को देखते हैं, एक तो हम लोगों ने समझ ही लिया, दूसरा है इसके अगला वाला हिस्सा, है ना, इसका अगला वाला हिस्सा का मतलब क्या है। थोड़ा सा इरेज करते हैं, मिटाते हैं कुछ चीजों को। ठीक, इतने से हो जाएगा।
इंक का कलर रेड ले लेते हैं। ये मान लीजिए एक क्षेत्र हो गया, इसको मान लीजिए 45 से 65 या 60 डिग्री के बीच का, ऐसा मान लीजिए एक क्षेत्र है ना, उत्तरी अक्षांश का एक क्षेत्र हो। अब देखिए यहां से जो हवा नीचे की तरफ बैठी थी, देखिएगा ध्यान, आप मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिएगा ताकि आने वाले समय में बहुत सारी चीजें आसान हो जाए। एक दो चीजों को अभी लिंक करूंगा और भी। अभी देखिए यहां पर यह हवा इस दिशा से यहां चलना शुरू हुई, ये जो हवा ऊपर से नीचे की तरफ गिरी थी ये सारी दिशाओं में बहेगी, उसमें से एक हिस्सा इधर की तरफ भी तो चलेगा। और ये उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ होगा, क्यों? कोरियोलिस बल के कारण इस ये बेंड होगा कहां? दाहिनी तरफ। तो ये हवा चलनी शुरू हो गई, इसका मतलब ये जो हवा ऊपर से नीचे की तरफ बैठी थी उसका एक हिस्सा कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहा है, एक हिस्सा दक्षिण की तरफ आगे बढ़ा, एक हिस्सा उत्तर की तरफ आगे बढ़ा। चूंकि 30 डिग्री से चल रहा होगा ये हवा तो ये भी गर्म होगा, ठीक है। ये जो 90 डिग्री का क्षेत्र है ना, जो 90 डिग्री का क्षेत्र है, यहां क्या है? अत्यधिक ठंड है, अत्यधिक ठंड है, तो ये उच्च दाब का क्षेत्र होगा, हवाएं भारी होंगी, घनत्व बढ़ेगा, तो हवाएं नीचे बैठेंगी, हवाएं नीचे बैठेंगी तो इस पूरी प्रक्रिया में क्या होगा? ये हवा कुछ ऐसे चलेगी बैठने के बाद, और बैठने के बाद जब हवा ऐसे चलेगी तो ये क्या होगी? ये ठंडी हवा होगी और इधर से गर्म हवा आ गई, ये ठंडी और गर्म हवा आपस में मिलेगी, ये ठंडी और गर्म हवा का आपस में संगम होगा, आपस में संगम होगा, इसके बाद क्या होंगी? ये ऊपर की तरफ उठेंगी, ये क्या होंगी? ये ऊपर की तरफ उठेंगी, ऊपर की तरफ उठी और ठंडी हो जाएंगी, ठंडी होने के बाद क्या होंगी? भारी होंगी, और भारी होने के बाद इसका एक हिस्सा नीचे की तरफ आएगा इस तरफ, और इसका दूसरा हिस्सा ध्रुव क्षेत्रों की तरफ जाएगा, अत्यधिक ठंडा होगा, अत्यधिक ठंडा होने के बाद ये नीचे की तरफ बैठेगा, और नीचे की तरफ बैठेगा तो कुछ इस तरह से गिरेगा, है ना। और ये जो हवा यहां से ऊपर उठी थी इसका एक हिस्सा यहां पर आके मिला, और आके मिलने के बाद ये नीचे आया, और उसी का एक हिस्सा इधर गया, और एक हवा का हिस्सा इधर चला गया, और यहां से जो हवा ऊपर उठी उसका एक हिस्सा इधर मूव कर गया, एक हिस्सा इधर मूव कर गया। तो ये जो बीच वाला सेल है ना, बीच वाला भी एक ऐसे ही हेडली सेल की तरह ही है, कि नीचे जो हवा का परिसंचरण है वो कुछ ऐसा है और ऊपर हवा का परिसंचरण कुछ ऐसा है। हवा यहां जा रही है, ऊपर उठ रही है, ऊपर उठने के बाद भारी हो रही है, भारी होने के बाद ये गिर रही है ना, गिरने के बाद इसका एक हिस्सा ध्रुवीय क्षेत्रों पे गिर रहा है और एक हिस्सा 30.5 डिग्री के आसपास गिर रहा है। और इसको हम देखें तो पूरा का पूरा ये एक चक्र हो गया, इसको एक चक्र देखिए, ये एक चक्र है, वैसे ही पूरा का पूरा ये भी एक चक्र है जो इस पूरे सिस्टम को प्रोपेल कर रहा है। इसको हमने नाम क्या दिया? इसको हमने नाम दे दिया फेरल सेल, इसको हमने नाम क्या दे दिया? फेरल सेल, इसको हमने नाम दे दिया फेरल सेल। क्लियर हो गया। अब यहां पर जो धरातल पे वायु की दिशा है ना, यहां पर हमने तो इसको कह दिया उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्व से हवाएं चल रही हैं तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन ने दे दिया। इसको हम देखते हैं तो हवा की दिशा कुछ ऐसी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? यहां हम देख रहे हैं हवा की दिशा कुछ ऐसी है, यानी कि हवा की दिशा कुछ ऐसी है का मतलब है कि हवा यहां पर हवा यहां पर इसको देखिए तो हवा कुछ ऐसे चल रही है, तो हम कह सकते हैं कि हवा कुछ ऐसे चल रही है, हवा कुछ ऐसे चल रही है, इस दिशा से चल रही है। अगर ध्यान से देखिए तो हवा कैसे चल रही है? ऐसे चल रही है, तो ऐसे चल रही है तो क्या होगी? दक्षिण, दक्षिण से हवा उत्तर की तरफ चल रही है, दक्षिण और पश्चिम के बीच से चल रही है, तो हम इसको दक्षिणी पश्चिमी हवाएं भी कह सकते हैं, या हम इसको पछुआ पौने भी कह सकते हैं, वेस्टर्ली, पश्चिम से पूरब की तरफ चल रही हैं, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की तरफ चल रही हैं। तो इनका जो जनरल ट्रेंड है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब दिशा की तरफ है।
तो इसलिए इन हवाओं को दक्षिणी पश्चिमी पवने भी कहा जाता है, और जो पॉपुलर नाम है चूंकि पश्चिम दिशा इसमें जुड़ गया है तो इसको पछुआ पवने भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पछुआ पवने, यानी कि 30.5 डिग्री से उत्तर की तरफ जो हवाएं चल रही हैं उत्तरी अक्षांशों के बीच में, ये हवाएं दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूरब की तरफ चल रही हैं, तो हमने इन हवाओं को पछुआ पवनों का नाम दे दिया, वेस्टर्लीज, यानी कि धरातल पे दक्षिण से उत्तर की तरफ हवाएं चल रही हैं और ऊपर जो है वो हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही हैं। तो पूरा का पूरा ये चक्र स्थापित हो गया, इसका नाम हम लोगों ने दिया फेरल सेल। कौन सा नाम हो गया? फेरल सेल। यही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, फेरल कोस्ट या फेरल सेल के अंतर्गत उपोष्ण उच्च दाब, उपोष्ण उच्च दाब का मतलब हो गया 30 से 35 डिग्री का क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर धरातलीय पवने चलती हैं। उपध्रुवीय निम्न दाब का मतलब है 45 से 65 डिग्री के बीच में हवाएं चलती हैं, दोनों गोलार्धों में इनकी दिशा पश्चिम से पूरब की दिशा की तरफ होती है, पश्चिम से पूरब की तरफ से चलती है, इसलिए इनको पछुआ पवने भी कहा जाता है। जैसे अगर हम यहां देखें तो यहां पर ये हवाएं क्या कर रही हैं, 30 से 35 डिग्री से मान लीजिए 30 डिग्री से हवाएं चल रही हैं, तो बाईं तरफ ये मुड़ेंगी, है ना, यहां से ये हवाएं चलना शुरू हुई और इस 45 से 65 डिग्री के बीच में चलना शुरू हो गई, तो इनकी दिशा क्या है? इनकी दिशा ऐसी है, ये देखिए इनकी दिशा ऐसी है, उत्तर पश्चिम दिशा से जो है वो दक्षिणी पूरब दिशा की तरफ चल रही है। तो यहां पर भी क्या हो गया? पछुआ, और यहां पर भी कॉमन क्या हो गया? पछुआ। बस इधर उत्तर पश्चिम हो गया, इधर दक्षिण पश्चिम हो गया, कॉमन क्या हो गया? पश्चिम। तो इसलिए हमने क्या कहा कि 30 डिग्री से 45 डिग्री की तरफ जो हवाएं चल रही हैं उनको हमने नाम दे दिया पछुआ पवने, वेस्टर्लीज, है ना, क्लियर हो गया। तो यहां पर यही पॉइंट लिखा हुआ है, इन्हें पछुआ पवन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसका तर्क समझ में आ गया। व्यापारिक पवनों की अपेक्षा पछुआ पवनों की दिशा और तीव्रता अधिक परिवर्तनशील होती है ना। क्यों होती है परिवर्तनशील? हमको मालूम है जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, कोरियोलिस बल घटता है कि बढ़ता है? बढ़ता है। और कोरियोलिस बल बढ़ेगा तो दिशा में परिवर्तन पछुआ पवनों का अपेक्षाकृत ज्यादा होगा। क्लियर हो गया। तो यहां पर जो है अधिक परिवर्तनशील होती है। अब आगे देखेंगे, ये पॉइंट लिख तो दिए हैं लेकिन आगे इसकी चर्चा करेंगे। चक्रवात और प्रति चक्रवातों के साथ साथ ध्रुवी वायु राशियों का इस पवन के क्षेत्र में तेजी से आगमन होता है। ध्रुवी वायु राशियों का मतलब क्या हो गया कि इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, इस क्षेत्र में हवाएं यहां से यहां की तरफ भी चल रही हैं और ध्रुवी क्षेत्रों से भी हवाएं आ रही हैं। तो ये जो 35 से 45 या 45 से 60 डिग्री तक का जो क्षेत्र है जहां पर अभिसरण हो रहा है, एक 30 से 35 डिग्री से हवाएं आ रही हैं, एक इस तरफ से हवाएं आ रही हैं, तो ये जो हवाएं यहाँ रीच कर रही हैं, पहुंच रहे हैं, तो कई बार इधर से ठंडी हवा उत्तर से और नीचे से गर्म हवा, ये दोनों आपस में मिलती हैं। तो ये जो उत्तर से या ध्रुवी क्षेत्रों से हवाएं आ रही हैं ये अपेक्षाकृत बहुत ठंडी होंगी, ठंडी होंगी तो हम उनको ध्रुवी पवने कह सकते हैं। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है कि इन क्षेत्रों में ध्रुवी वायु राशियों का इस पवन के क्षेत्र में तेजी से आगमन होता है, यानी कि इस क्षेत्र में ये ध्रुवी पवने भी ठंड के दिनों में अपेक्षाकृत ज्यादा आ सकती है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी है, हमको मालूम है कि दक्षिण गोलार्ध में स्थल कम है के कारण इनकी गति तिर होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, लगातार एक ही जैसा तापमान बना हुआ है। इनकी प्रचंडता के कारण ही दक्षिणी गोलार्ध में इसको या कह सकते हैं कि इस फेरल प्रकोष्ठ को 40 डिग्री पे, 50 डिग्री और 60 डिग्री पे इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे जैसे अक्षांशों का या जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं गति बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि जमीन कम है और पानी ही पानी है। तो 40 डिग्री के पास हम इसको गरजता चालीसा कहते हैं, मतलब हवाएं बहुत ही तेज वेग से बढ़ती हैं, क्योंकि पानी और जमीन के बीच में अंतर होने से जो दाब का प्रवणता है वो अपेक्षाकृत कम हो जाता है। लेकिन जब पूरा का पूरा 40 डिग्री का क्षेत्र जो है अक्षांश का, उसमें अगर पानी ही पानी है, थोड़ा सा जमीन है, इसका मतलब है कि अपेक्षाकृत तीव्र गति से हवाएं चलेंगी। 50 और 60 डिग्री पे तो केवल और केवल जमीन ना के बराबर है, लगभग लगभग पानी ही पानी है। ठीक है, तो 40 डिग्री के पास हवाएं तेज गति से चलती हैं, तो हमने कहा इनको गरजता चालीसा। 50 डिग्री के पास हमने इनको प्रचंड पचासा कहा और 60 डिग्री के पास हमने इसको कहा चीखता साठा, है ना, बहुत ही तेज गति से हवाएं चलती हैं। ठीक है, क्यों चलती हैं? क्यों दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं? क्योंकि यहां पर जमीन कम है, पानी ज्यादा है, तो एक जैसा धरातल है। तो जब उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं चलेंगी तो
तो यहाँ पर दाब में कोई अंतर नहीं होगा, बहुत ज्यादा एक क्षेत्र मिट्टी है या जमीन है, एक पानी है, ऐसी स्थिति नहीं है, पूरा का पूरा पानी ही है। ऐसी स्थिति में तीव्र गति से इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं और हवाओं की गति अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा तीव्र होती है। 40 पे थोड़ा जमीन भी है, 40 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में देखिएगा जमीन का विस्तार भी आपको मिलेगा, 50 पे जमीन का विस्तार और भी कम मिलेगा और 60 पे अपेक्षाकृत जमीन का विस्तार न के बराबर मिलेगा। इस पूरी प्रक्रिया में तीव्र गति से हवाएं इस उच्च दाब से इस निम्न दाब के क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ती हैं और हवाओं की गति तेज होने के कारण हम इसको गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा या चीखता साठा के नाम से बुलाते हैं। कौन से सेल में? फेरल सेल में, धरातल पे तीव्र गति से हवाओं का चलना। तो हम लोगों ने दो देख लिया, तीसरा हम लोगों ने समझ ही लिया, तीसरा और आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। फेरल सेल, यहां पर जो दो हवाएं मिली थी वो ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद उसका एक हिस्सा ध्रुव पे जाके नीचे गिर गया, तो यहां जो हवाएं ऊपर उठी थी यहां पर नीचे गिर गया और यहां से दोबारा वो चलना शुरू हुआ, तो पूरा का पूरा ये चक्र हो गया। इसको हमने नाम दे दिया पोलर सेल। इसको हमने नाम क्या दे दिया? इसको हमने कहा पोलर सेल, पोलर सेल। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो प्लेनेटरी विंड्स चल रही हैं, ये प्लेनेटरी विंड्स के चलने के पीछे धरातल पे अगर चल रही हैं, तो पूरा का पूरा एक चक्र इसके लिए जिम्मेदार है, पूरा का पूरा एक साइकिल है जिसमें स्थिति बन रही है। यही उत्तरी गोलार्ध में हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, इसी को आप दक्षिण में सेम नाम से बुला सकते हैं, हेडली, फेरल और पोलर सेल। तो कुल मिला के ऐसे तीन सेल्स हैं, है ना, पूरे पृथ्वी पे, जो इन वैश्विक पवनों या प्लेनेटरी विंड्स को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। क्लियर है? एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर हुआ इसको लेके? तो इसको लेके एक समझदारी बनी आपको, ये तीन प्रकार के सेल्स हो गए। अब चूंकि यहीं पर हम लोगों ने सेल की चर्चा की है, तो थोड़ा सा उत्सुकता आपके सामने रख देते हैं, इसकी चर्चा आगे करेंगे। इसकी चर्चा आगे करेंगे, ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए, ध्यान से इसको समझिएगा, आप ही आगे चर्चा इसकी भी करेंगे। बस चूंकि यहीं पर हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल, ठीक है, ये तीन चीजें आपको समझाए है ना, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों में पवनों के बारे में समझाया, जो बीच का सेल है फेरल सेल उसके बारे में चर्चा की और हेडली सेल के बारे में चर्चा की। थोड़ा सा कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आपको ये चीजें समझ में आई। अगर समझ में आया तो यस लिखिएगा, नहीं समझ में आया तो नो लिखिएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां से जो चर्चा करने जा रहे हैं उसको भी समझा नहीं रहे हैं, बस आपके लिए एक सवाल की तरह रख रहे हैं, ठीक है, एक मुझे वाइब्स मिल गया कि आपको क्लियर हो गया। अब ध्यान से सोचिएगा, ठीक है, अब थोड़ा सा चिंतन करना है। चिंतन इसलिए करना है कि थोड़ी देर में कॉन्सेप्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं जो इसी सेल से जुड़ा हुआ है, इसी सेल से जुड़ा हुआ है। तो चूंकि सेल की चर्चा किए हैं, तो थोड़ा सा अगर यहां पर आप सोचने के लिए अगर विवश होंगे, तो आने वाला टॉपिक अपेक्षाकृत आसान रहेगा। देखिए, ध्यान से समझना क्या है, ध्यान से समझना यह है कि ये जीरो डिग्री विषुवत रेखा का जो क्षेत्र है, ये जो जीरो डिग्री, यहां पर जो दो हवाएं आके चल रही हैं, इन दोनों की प्रकृति एक जैसी है, दोनों ही गर्म है, है ना, ये दोनों ही की प्रकृति एक जैसी है। इस 30 डिग्री से जो धरातल पे हवाएं चल रही हैं वो भी गर्म है और इधर से जो हवाएं चल रही हैं वो भी गर्म है। अब दोनों गर्म है और दोनों हवाएं मिलती हैं आईटीसीजेड में और उसके बाद ऊपर उठ जाती हैं, ऊपर उठ जाती हैं, ये हवाएं यहां से चली और ये ऊपर उठ गई। ऊपर उठने के बाद एक हिस्सा इस दक्षिण की तरफ चला गया और एक हिस्सा उत्तर की तरफ चला गया और वो यहां जाके गिरा। अब देखिए, जो दोनों हवाएं आपस में मिली थी, दोनों की प्रकृति गर्म है और दोनों की प्रकृति गर्म है तो मिक्सिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये दोनों हवाएं आराम से मिक्स हो जाएंगी, गर्म और दोनों ही गर्म है तो तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो मिक्सिंग आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और मिक्सिंग आसान होने के बाद ये दोनों हवाएं आराम से नीचे की तरफ गिर जाएंगी। अब समझिए बात को, जब हम इस प्रकोष्ठ से, हेडली सेल से बाहर निकलते हैं,
ठीक है, जब हम इस हेडली सेल से थोड़ा बाहर आते हैं या इस हेडली सेल में इस ITCZ के क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं और जब हम इस 30 डिग्री के पास पहुंचते हैं यहां पर, है ना, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो हवा विषुवत रेखा से उठी थी उसका एक हिस्सा यहां पर चला गया, और हम देखते हैं कि ये जो 40 से 65 डिग्री या 60 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है यहां पर ध्रुवी और ये जो आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से हवा आके मिली थी ये ऊपर उठी। अब ये जो हवा होगी ये अपेक्षाकृत ज्यादा ठंडी होगी, ये जो हवा यहां पर ऊपर उठी है ये अपेक्षाकृत गर्म होगी, ये हवा का तापमान धरातल पे तो ज्यादा ही होगा और यहां पर जो हवा मिली होगी इसका तापमान अपेक्षाकृत कम होगा। अब ये है ना, तो ये ठंडी हवा अपेक्षाकृत रहेगी ऊपर, और यहां पर जो हवा होगी ऊपर जो पहुंचेगी वो अपेक्षाकृत इसकी तुलना में क्या होगी, वो गर्म होगी, है ना। अब ये गर्म हवा आगे बढ़ी और ये ठंडी हवा आगे बढ़ी, ये दोनों आपस में मिलती है और मिलने के बाद ये नीचे की तरफ, ये चूंकि दोनों ही ठंडी है मतलब इसकी तुलना में तो ये ठंडा ही है लेकिन इस वाली हवा की तुलना में थोड़ा सा गर्म रहेगा, तो ये थोड़ा गर्म और ये ठंडा हवा जब आपस में मिलेगा तो ये बेहतर तरीके से इसकी मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। क्यों मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोनों ही वायु का तापमान अलग अलग होगा। ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा, इन दोनों ही वायु का तापमान अलग अलग होगा, और दोनों ही वायु का तापमान अगर अलग अलग होगा तो दोनों के बीच में मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी, और अगर मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी तो ऐसा संभव है कि कुछ वायु का हिस्सा ऊपर ही छूट जाएगा, कुछ वायु का हिस्सा जब ये दोनों आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद जब नीचे जाके हाई प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे तो चूंकि ये वायु अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगी क्योंकि दोनों का तापमान और आर्द्रता अलग अलग होगा, तो कुछ वायु का हिस्सा ऊपर ही छूट जाएगा, कुछ वायु का हिस्सा ऊपर ही छूट जाएगा। ऐसे ही यहां से एक वायु चल रही है इसकी प्रकृति गर्म है, और यहां से जो वायु चल रही है इसकी प्रकृति ठंडी है, दोनों आपस में मिलेंगे और ऊपर उठेंगे, लेकिन ये जब ऊपर उठेंगे तो यहां पर भी तो यही यही स्थिति बनेगी कि ये जो गर्म और ठंडा वायु है जो ऊपर गया है इसकी मिक्सिंग अच्छी से नहीं हो पाएगी, तो यहां पर भी वायु का एक हिस्सा ऊपर छूट सकता है ना, यहां से एक वायु का हिस्सा इधर गया और एक वायु का हिस्सा इधर गया, लेकिन जो वायु अच्छे से मिक्स नहीं हो पाया वो कुछ यहीं छूट जाएगा। क्यों छूट गया, क्योंकि यहां पर मिक्सिंग अच्छी नहीं है, विरोधाभासी है, दोनों ही वायु जो यहां पर मिल रही थी उनका तापमान अलग अलग हो सकता है, तापमान तो अलग अलग होगा आर्द्रता भी अलग अलग हो सकती है। इस पूरी प्रक्रिया में ये जो दोनों हवाएं ऊपर उठी हैं कुछ वायु का हिस्सा ऊपर ही छूट जाता है, यहां पर भी कुछ वायु का हिस्सा ऊपर ही छूट जाता है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। कहां कहां पर ये वायु का हिस्सा ऊपर छूट गया है, तो एक 30 से 35 डिग्री के बीच में वायु का एक हिस्सा ऊपर छूट गया है, और यहां पर 30 और सॉरी 40 से लेके 60 डिग्री के बीच में वायु का एक हिस्सा ऊपर ही छूट गया है ना, वायु का एक हिस्सा ऊपर ही छूट गया है। अब सोचिए कि वायु ऊपर ही छूट गया है और पृथ्वी क्या स्टेबल है, पृथ्वी स्थापित मतलब स्टेबल नहीं है, मतलब एक जगह पे स्थायी नहीं है, पृथ्वी लगातार अपने अक्ष पे घूम रही है, और अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमेगी तो ये जो ऊपर वायु छूट गई है इसको भी अपने साथ घुमाना शुरू कर देगी, और इस पूरी प्रक्रिया में इन दो अक्षांशों पे 40 से 60 डिग्री और 30 डिग्री के आसपास इन अक्षांशों पे 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे लगातार तीव्र गति से हवाएं चल रही होंगी, क्लियर है, इन्हीं को हम जेट धारा कहते हैं, अभी थोड़ी देर में उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। क्यों ये बना, ये हवा क्यों यहां छूट गई, क्योंकि दो विपरीत कैरेक्टर की हवाएं मिल रही हैं, उनकी मिक्सिंग बेहतर तरीके से नहीं होगी, और उनकी मिक्सिंग बेहतर तरीके से नहीं होगी तो हवा का कुछ हिस्सा यहां पर ऊपर छूट जाएगा, बस इतना जो समझा है क्लियर हुआ। अब इस पॉइंट को बस मुझे बता दीजिए, जो इतना बताए कि वायु का एक हिस्सा यहां ऊपर छूट जाएगा और यहां वायु का एक हिस्सा ऊपर छूट जाएगा, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ, एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ, क्लियर हो गया, ठीक। सुनीत कह रहे हैं एक बार और ठीक, मतलब आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक, एक बार और इसको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि ये विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा का क्षेत्र जिसको हम ITCZ भी कहते हैं, दो विपरीत दिशाओं से हवाएं आके मिली, एक हवा 30 डिग्री से चली और दूसरी हवा 30 डिग्री से चली, है ना, दोनों ही 30 डिग्री से चली, तो यानी कि दोनों ही अगर 30 डिग्री अक्षांश से चली हैं तो दोनों ही
एक समान वाले स्थान से, यानी कि दोनों एक ही प्रकार की जलवायु वाले स्थान से हवाएं चली हैं, तो ये जो दोनों हवाएं चली हैं और आईटी सीजन में मिली हैं, इन दोनों हवा की प्रकृति एक जैसी है ना, दोनों का तापमान एक जैसा होगा, तो ये दोनों हवाएं जब आपस में मिलेंगी तो इनके मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का तापमान एक जैसा है। और ये हवाएं आपस में मिक्स हो जाएंगी, अच्छे से मिक्स होकर ऊपर उठ जाएंगी, ऊपर उठने के बाद एक हिस्सा इधर चला जाएगा, एक हिस्सा यहां छूट जाएगा, लेकिन यहां ऊपर कोई हवा का पार्सल नहीं छूट पाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों हवाओं का जो क्वालिटी था या दोनों का जो तापमान था वो लगभग एक जैसा था, और एक जैसा होने के कारण मिक्सिंग अच्छा होगा, मिक्सिंग होगा तो ऊपर कोई पार्सल ऑफ एयर नहीं छूटेगा। ये आराम से ऊपर गया, सब हवा एक साथ ठंडी हो गई, ठंडा होने के बाद भारी हुई, भारी होने के बाद नीचे गिर गई। लेकिन जब हम इस हेडली सेल के इस 30 डिग्री वाले स्थान पे आते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो 60 डिग्री पे जो हवा मिली थी और ऊपर उठी थी उसका एक हिस्सा इस 30 डिग्री पे आके गिरता है, और ये आईटी सीजन पे जो एक हवा उठी थी इसका एक हिस्सा इस 30 डिग्री पे आके गिर रहा है। तो यहां पर एक गर्म हवा हो गई और एक ठंडी हवा हो गई, मतलब दोनों का तापमान अलग अलग हुआ, इन दोनों की मिक्सिंग अच्छे से नहीं होगी, मिक्सिंग अच्छे से नहीं होगी तो कुछ हवा का हिस्सा ऊपर ही छूट जाएगा, और जिनकी मिक्सिंग अच्छे से हो गई है उनका तापमान कम हो गया, वो भारी हो गई और नीचे ही की तरफ आ गई। लेकिन कुछ हवा जो मिक्स नहीं हो पाई अच्छे तरीके से और इस हवा के साथ उसका कैरेक्टर नहीं बन पाया, ठंडी नहीं हो पाई, थोड़ा गर्म ही रह गई, तो वो हवा वहीं ऊपर ही छूट जाएगी, वो नीचे आने का प्रयास भी नहीं करेगी। इस पूरी प्रक्रिया में यहां पर एक हवा का हिस्सा छूट जाएगा 30 डिग्री के आसपास। ऐसे ही 60 डिग्री के आसपास दोनों हवाएं मिल रही हैं, ये हवा ठंडी है, ये हवा गर्म है, इधर से जो 30 डिग्री से हवा चल रही है, ये ठंडी और गर्म हवा मिली, दोनों मिक्स हुई, मिक्स होकर ऊपर उठ रही है, लेकिन मिक्सिंग जरूरी नहीं है कि बेहतर हो, है ना, और मिक्सिंग बेहतर नहीं होगी तो हो सकता है कि ऊपर एक पार्सल ऑफ एयर रह जाए। यहां से जब एक हिस्सा ध्रुवों की तरफ चले और एक हिस्सा जब 30 डिग्री की तरफ चले तो यहां पर कुछ हिस्सा वायु का वो आगे ना बढ़े, उसमें मिक्सिंग अच्छे से नहीं होने के कारण वो उसका एक अलग ही तापमान हो और वो तापमान पे वो वहीं रह जाए, वहीं छूट जाए। क्यों छूट जा रहा है? क्योंकि यहां पर दो विपरीत प्रकृति की हवाएं आपस में मिल रही हैं। तो हम देखते हैं कि वायुमंडल में इस 40 से 65 डिग्री पे की ऊंचाई पे, 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई पे हमको एक पार्सल ऑफ एयर मिलता है जो छूटा हुआ है, और 30 से 35 डिग्री के अक्षांशों पे 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई पे हमको नजर आता है कि कुछ हवा ऊपर छूट गई है। तो यह हवा छूट गई, लेकिन साथ ही साथ पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, और पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है तो इस छूटी हवा, जो हवा ऊपर छूट गई है, इनको ये पृथ्वी क्या बोलेगा कि मैं आपको तो शांत रहने नहीं दूंगा, जब मैं घूम रहा हूं तो आपको मेरे साथ घूमना होगा। तो ये हवाएं पृथ्वी के साथ लगातार परिसंचरण करती रहेंगी, कौन सी ऊंचाई पे, 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई पे। इसी को हम जेट धारा कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो जेट स्ट्रीम का जो ओरिजिन है, जो उद्भव है, जो विकास है, वो इसी हेडली सेल पोलर सेल ऑफ हेडली सेल फेरल सेल और पोलर सेल से जुड़ा हुआ है। विपरीत कैरेक्टर की हवाएं जहां पर मिलेंगी वहां पर बन गया। विषुवत रेखा पे क्यों नहीं बना? क्योंकि यहां पर दोनों ही समान प्रकार की हवाएं थी, सेम टेम्परेचर की हवाएं थी, मिक्सिंग बेहतर हुआ, हवा ऊपर नहीं छूट पाई, और इस पूरी प्रक्रिया में यहां पर हवा नहीं छूटी, लेकिन यहां और यहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। क्लियर? ठीक है, चलिए, इतनी समझदारी। अब थोड़ी देर में जब जेट धारा के बारे में चर्चा करेंगे तो आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब आगे मूव करते हैं, टॉपिक आसान हो गया है। तो हम लोगों ने यह देख लिया, फेरल सेल भी देख लिया, हेडली सेल भी देख लिया, ध्रुवी कोस्ट भी समझ में आ ही गया होगा आपको, क्योंकि फेरल सेल कर लिया तो उसके बाद ये वाला पहलू वही है। ध्रुवी कोस्ट के अंतर्गत ध्रुवी उच्च दाब का क्षेत्र विकसित होता है, अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण हवाएं नीचे गिरती हैं, गिरने के बाद ध्रुवी क्षेत्र से उपध्रुवी क्षेत्र की तरफ चलना शुरू हो जाती है, इसी को हम ध्रुवी पवने कहते हैं। उत्तर पूर्व दिशा से चलती है तो इसको हम पूर्वा या ईस्टर्लीज के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो एक हम लोगों ने समझदारी जो है प्लेनेटरी विंड्स के संदर्भ में चर्चा करके कर ली कि पछुआ पवने क्या होती है ना, उत्तर पूर्वी पवने या दक्षिण पूर्वी पवने जिनको व्यापारिक पवने भी कहा जाता है वो भी हम लोगों ने देख लिया, और पोलर सेल्स का भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने, या ध्रुवी पवनों को भी हम लोगों ने समझ लिया। इनके अलावा लोकल लेवल पे कुछ पवने होती है, लोकल स्केल पे पवने होती है। मैंने विस्तार से आपके साथ चर्चा इन लोकल पवनों के बारे में किया था, या जो स्थानीय पवने हैं उसमें गर्म स्थानीय पवने के बारे में विस्तार से चर्चा किया था, और ठंडी स्थानीय पवने मिस्ट्रल, बोरा, ब्लिजर्ड, बुरान, है ना, पेम्पोरे, इन सब की चर्चा की थी, और गर्म के लू, फॉन, सिर
सिरको, हरमट्टन है ना, चिनूक, इन सब चीजों की चर्चा मैंने आपके साथ की थी। नोट्स आप लोग पलट के देखेंगे पहले की क्लासेस का, तो इसको मैंने आपके साथ विस्तार से चर्चा करके समझाया है। इसके अलावा जो बस एक दो चीजें और हैं, क्षेत्रीय प्रादेशिक स्तर के स्थानीय पौने और पर्वत तथा घाटी समीर, तो मैंने आपके साथ इन सब चीजों को विस्तार से चर्चा करके समझा दिया था, है ना। अब बस इसमें यही है कि एक बस पॉइंट बताना था वो स्थल समीर और सागर समीर के संदर्भ में, कि ये जो सामयिक स्थानीय पौने हैं क्षेत्रीय या प्रादेशिक स्तर पर या समुद्र या तटीय इलाकों पे जो बहती हैं, तो उनको हम स्थल समीर और सागर कर समीर के नाम से जानते हैं। इसकी भी चर्चा मैंने आपके साथ की थी। बस यहां पर इस ग्राफ को देखिएगा, इसको देख के ही समझ में आ जाएगा। हमको मालूम है कि पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आसान है। पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, क्यों होता है उसकी चर्चा मैंने आपके साथ की है। दिन के समय में, है ना, दिन के समय में पानी देर से गर्म होगा, जमीन जल्दी गर्म हो जाएगा, है ना। जब सूर्य की रोशनी पड़ रही होगी तो कम क्षेत्रफल को गर्म करना होगा, तो जमीन जल्दी गर्म हो जाएगी। पानी देर से गर्म होगी, और देर से गर्म होगी तो यानी कि पानी ठंडा रहेगा या जमीन की तुलना में ठंडा रहेगा, और ठंडा रहेगा तो जो ठंडा होगा वो हाई प्रेशर होगा, जो गर्म होगा वो लो प्रेशर होगा। इसका मतलब है कि अगर हम दिन के समय में देखते हैं तो दिन के समय में समुद्र क्या होगा, ठंडा रहेगा अपेक्षाकृत जमीन की तुलना में। तो ये क्या बन जाएगा, ये हाई प्रेशर बन जाएगा, ये हाई प्रेशर बन जाएगा, उच्च दाब का क्षेत्र, और जमीन जो है वो अत्यधिक गर्म हो गई है, और अत्यधिक गर्म हो गई है तो हवा हल्की हो गई है, हल्की हो गई तो ऊपर उठ गई है, ये क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। इसीलिए दिन के समय में जब भी आप समुद्र के किनारे जाएंगे, है ना, दिन के समय में जब भी आप समुद्र के किनारे जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। क्यों अच्छा महसूस होगा, क्योंकि लगातार समुद्र से हवाएं जमीन की तरफ चल रही होंगी, लगातार, है ना, लगातार हवाएं चल रही होंगी, तो आपको अच्छा कंफर्टेबल महसूस होगा, है ना, कि कोस्ट के किनारे लगातार हवा लग रहा है, ना पंखे की जरूरत पड़ेगी ना एसी की जरूरत पड़ेगी, कंफर्टेबल लग रहा होगा। तो इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कह दिया स्थल समीर, है ना, सॉरी, इसको हम लोगों ने कह दिया सागर समीर, है ना, सागर समीर, सागर से जमीन की तरफ हवाएं चलेंगी, तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, सागर समीर। अब जरा विपरीत परिस्थिति को देख लें कि दिन में तो ऐसा बन रहा है, रात को समझे रात को क्या होता है, तो रात को हम देखेंगे कि ये जमीन तो गर्म हो गई थी, है ना, और गर्म भी हो गई थी, और चूंकि बहुत ही कम एरिया को गर्म किया गया था, मतलब गहराई पे नहीं पहुंच पाए थे, तो जैसे ही सूर्यास्त होगा वैसे ही जमीन ठंडा होना शुरू हो जाएगी, और जमीन ठंडा होना शुरू हो जाएगी तो बड़ी तीव्र गति से पार्श्विक पार्थिव विकिरण के माध्यम से ये जमीन ठंडी हो जाएगी। लेकिन जो पानी है वो अपेक्षाकृत गहराई तक गर्म हुई थी, धीरे धीरे गर्म हुई थी, लेकिन पानी का एक बहुत नीचे वाला हिस्सा भी गर्म हो गया था। अब नीचे वाला हिस्सा गर्म हो गया था तो जैसे ही सूर्यास्त होगा इस नीचे वाले हिस्से को ठंडा होना है, फिर उसके ऊपर वाले हिस्से को, फिर ऊपर वाले हिस्से को, फिर ऊपर वाले हिस्से को, इस पूरी प्रक्रिया में जमीन अपेक्षाकृत जल्दी से ठंडी हो जाती है और पानी अपेक्षाकृत देर से ठंडा होता है। यानी कि रात्रि के समय ये जो समुद्र है उसका तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा रहता है, और जो जमीन है लैंड है उसका तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है, और अगर कम कम तापमान होगा तो ठंडा होगा, ठंडा होगा तो हवा नीचे की तरफ बैठेगी तो हाई प्रेशर हो जाएगा, और यहां पर चूंकि पानी गर्म है और गर्म है तो ये लो प्रेशर का सेंटर हो जाएगा, तो हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है। रात्रि के समय तटीय क्षेत्रों में हवाएं तट से समुद्र की तरफ चलती हैं, तो हमने इसको क्या कह दिया, तट से या स्थल से समुद्र की तरफ चलती है, तो हमने इसको कह दिया स्थल समीर, है ना, स्थल समीर, लैंड लैंड ब्रिज, स्थल से समुद्र की तरफ हवाएं चलेंगी, स्थल समीर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं उन तटीय क्षेत्रों में हमको दैनिक रिवर्सल नजर आता है, दिन में दो बार हवाओं की दिशा में परिवर्तन हमको नजर आता है, दिन के समय में सागर से स्थल की तरफ और रात के समय में स्थल से सागर की तरफ दैनिक परिवर्तन हमको नजर आता है। इसको हम क्या कहते हैं, सागर समीर और स्थल समीर। ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वायु दाब में परिवर्तन हो रहा है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर की स्थिति बन रही है। अब इसको एक एनवायरमेंट वाले टॉपिक से आपके साथ जोड़ देते हैं ताकि आपको आसान रहे, यहीं पर ये टॉपिक आसान हो जाए, और आप लोग बताइएगा कि क्लियर हुआ कि नहीं ये पॉइंट। देखिए दिन के समय में मान लीजिए कि ये जो तटीय इलाका है, जो भी तटीय इलाका है, इसका नाम हम चेन्नई रख दें,
इसका नाम हम मुंबई रख दें, इसका नाम हम कोलकाता रख दें, एक ही मतलब है, ये सब तटीय इलाकों पे अवस्थित है। दिन के समय में लगातार इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है, लगातार लोग मूव कर रहे हैं शहरों में एक जगह से दूसरी जगह, खूब सारा वेकुलर मूवमेंट हो रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस लगातार उत्सर्जित हो रहे हैं, लगातार उत्सर्जित हो रहे हैं। लेकिन इसी दिन के समय समुद्र से लगातार फ्रेश हवा जमीन की तरफ चलती चली आ रही है, और फ्रेश हवा लगातार चलती आ रही है तो इस पॉल्यूशन के साथ मिक्स हो रही होगी या बहुत ज्यादा पॉल्यूशन के लेवल को बढ़ने नहीं देगी। ठीक है, अब दिन भर आपने जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी किया उससे खूब सारा यहां पर प्रदूषण इकट्ठा हो गया, सल्फर नाइट्रस ग्रीन हाउस गैसेस, मीथेन, ये सब यहां पर इकट्ठा हो गया। अब ये जो इकट्ठा हो गया रात के समय में क्या हुआ कि चूंकि ये हाई प्रेशर हो गया जमीन, और जो पानी है या समुद्र है वो लो प्रेशर हो गया, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, क्यों हाई प्रेशर हो गया, क्योंकि ये जल्दी ठंडा हो गया जमीन और पानी देर से ठंडा हो रहा है, तो ये अपेक्षाकृत गर्म रहा, ये ठंडा रहा, तो यहां से रात के समय में जो भी यहां पर पॉल्यूशन इकट्ठा हुआ होगा ये स्थल समीर इसको अपने साथ बहा के समुद्र की तरफ ले जाएगा, और ले जाके इसको हजारों किलोमीटर तक ले जाता चला जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में जो भी पॉल्यूशन यहां पर इकट्ठा हुआ है वो सब समुद्र के साथ या समुद्र की तरफ चला गया। अगले दिन सुबह दोबारा से फ्रेश हवा समुद्र से जमीन की तरफ आएगी। मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में पॉल्यूशन एक बड़ी चुनौती नहीं होगी, वायु प्रदूषण एक चैलेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दिन में दो बार हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है, दिन में लगातार फ्रेश हवा आती रहती है और उस पॉल्यूशन के साथ मिक्स होकर उसके लेवल को कम करती रहती है, और रात के समय में जो भी पॉल्यूशन यहां पर इकट्ठा हुआ है वो सब समुद्र पे हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके मिक्स हो जाती है, फिर अगले दिन फ्रेश हवा। इस पूरी प्रक्रिया में तटीय क्षेत्रों में वायु प्रदूषण एक बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन दिल्ली की बात करें, कानपुर की बात करें, लखनऊ की बात करें, पटना की बात करें, उत्तर भारत के जो भी शहर है उनकी बात करें, तो वो इस कॉन्सेप्ट से महरूम है, उनको स्थल समीर या सागर समीर नहीं मिल पा रहा है, जिससे फ्रेश हवाओं या कह सकते हैं कि जो आपको लेस पॉल्यूटेंट या एक अपेक्षाकृत फ्रेश एयर है उसका इस तरह बहाव नहीं है, जहां से भी हवाएं आ रही हैं अपेक्षाकृत दूषित ही हैं या प्रदूषित ही हैं, जिसके कारण एयर पॉल्यूशन एक बड़ी चुनौती है उत्तर भारत के जो शहर हैं, जो समुद्र से दूर है, लेकिन तटीय क्षेत्रों में, इन बड़े शहरों में भी वायु प्रदूषण एक बड़ा प्रॉब्लम या बड़ी चुनौती नहीं है। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई, तो मुझे एक बार कमेंट करके यस लिख दीजिए, और नहीं समझ में आया तो एक बार नो लिख दीजिएगा। अगर आपको यह चीज क्लियर हो गई तो यस लिख दीजिएगा, अगर नहीं क्लियर हुआ तो नो लिख दीजिएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब कभी एयर पॉल्यूशन की जब चर्चा हो रही हो और उसमें तर्क आपसे पूछा जाए या जाना जाए तो यह आप तर्क दे सकते हैं। एक इसी से जुड़ा हुआ एक और पहलू अगर आप सोचें कि भारत में अगर विकास को बल देना है तो हमको अर्बनाइजेशन या नगरीकरण को शहरों की या नगरीकरण को हमको कोस्टल एरियाज की तरफ लेके जाना पड़ेगा, है ना, कोस्टल एरियाज की तरफ लेके जाए, जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, खास करके एयर पॉल्यूट, जिससे एयर पॉल्यूशन ज्यादा होता है वो इंडस्ट्रीज, उनको क्या हमको दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, पटना या पंजाब या हरियाणा के शहरों में ऐसे एयर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को स्थापित करना चाहिए या तटीय इलाकों की तरफ स्थापित करना चाहिए? क्लियर है? तो आप कह सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि जो एयर पॉल्यूशन का चुनौती है वो उत्तर भारत के अपेक्षाकृत जो तट से दूर शहर हैं वहां एक बड़ी चुनौती है। इस संदर्भ में जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो एयर पॉल्यूशन को बढ़ाती हैं या पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनको अपेक्षाकृत हमको तटीय क्षेत्रों में विकसित करना चाहिए, ताकि वहां पर एक गंभीर समस्या भारत के लिए एयर प्रदूषण के या एयर पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बने। जैसे कोल है ना, या कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनका लोकेशन पॉसिबली कोशिश करना चाहिए कि उनको हम जो है कोस्टल एरियाज में अवस्थित करें, जिससे कि बड़ा चैलेंज ना हो या एयर पॉल्यूशन एक बड़ा इशू ना हो। क्लियर? चलिए, बाकी स्थल समीर और सागर समीर के बारे में जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वो पॉइंट्स यहां पर लिखे हैं, ऐसा कुछ इसमें कोई भी ऐसा बात नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, जो समझाए हैं वही बातें यहां पर लिखी गई हैं, ताकि अगर कभी शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आए कि स्थल समीर और सागर समीर के बीच में अंतर स्पष्ट करिए, तो आपको इन पॉइंट्स को बताना पड़ेगा। क्लियर है? मूव करते हैं आगे। एक समझदारी बनी इसको लेके।
ऐसे ही हम लोगों ने देखा था माउंटेन और वैली ब्रिजेस के संदर्भ में, ये चर्चा मैंने पहले भी आपके साथ की है कि स्थानीय पौनों में एक और होता है, रात के समय और दिन के समय में जो घाटी होते हैं या पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां पर हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है ना, दैनिक रूप से परिवर्तन नजर आता है ना। यहां पर देखिए ध्यान से इसको, यहां पर इस वाले ग्राफ को देखिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, केवल इसको देखिए, केवल इसको देखिए और इसको देखिए, है ना। ये सूरज है दिन के समय में, ये चंद्रमा है, इसका मतलब है कि रात की बात हो रही है। बस इसको एक बार देखिए ध्यान से, बस इसको ऑब्जर्व करिए कि क्या-क्या इसमें बना हुआ है, ताकि आसान हो टॉपिक आपके लिए। देखा आपने, इन दोनों को देखते हैं क्या है, ध्यान से देखिए यहां पर ये जो बना हुआ है ये रेड 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 क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि रात के समय में ये जो ढाल है, सॉरी दिन के समय में ये जो ढाल है इनका एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है, और एक्सपोजर ज्यादा होता है तो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो इसको गर्म कर रही हैं, गर्म हो रही हैं तो हवा हल्की हो रही है, हल्की हो रही तो ऊपर उठ रही है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो अपेक्षाकृत ठंडा है ना, वो अपेक्षाकृत ठंडा है, और ये वाला हिस्सा अपेक्षाकृत, क्योंकि सूरज के पास भी है तो ये क्या हो गया, गर्म हो गया, गर्म हो गया तो ऊपर उठ गया, ऊपर उठ गया तो ये लो हो गया, और ये अपेक्षाकृत ठंडा है तो हाई हो गया, तो क्या होगा, दिन के समय में इस घाटी से है ना, या नीचे से हवाएं ऊपर की तरफ चलने लगेंगी, नीचे से हवाएं ऊपर की तरफ चलने लगेंगी। रात के समय में स्थिति क्या बनेगी, रात के समय में चूंकि ये स्थान ऊंचाई पे है, ऊंचाई पे स्थान है तो नॉर्मल लैप्स रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तापमान में कमी आएगी, है ना, ये स्थान अपेक्षाकृत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, और ठंडा हो जाएगा तो ये उच्च दाब का क्षेत्र हो जाएगा, इसकी तुलना में ये वाला जो एरिया होगा वो अपेक्षाकृत निम्न दाब का होगा, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, ज्यादा ठंडा होगा, ऊंचाई पे भी है, और ये लो प्रेशर हो जाएगा, ये अपेक्षाकृत नीचे वाली जगह पे है तो इसका तापमान अपेक्षाकृत इससे ज्यादा होगा, तो ये लो प्रेशर का हो जाएगा, और हवाएं हमेशा कहां से चलती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं चलती हैं। तो रात्रि के समय क्या होगा, रात्रि के समय इन ऊंची चोटियों से इन वैली की तरफ, घाटियों की तरफ हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, और दिन के समय में इन घाटियों से चोटी की तरफ या ऊंचाई की तरफ हवा चलना शुरू हो जाएगी। तो हम एक दैनिक या ड्यूरनल या दिन में हम देखते हैं कि दिन के समय घाटी से पर्वत की चोटियों की तरफ हवाएं चलती हैं, और रात्रि के समय इन पर्वत की चोटियों से घाटी की तरफ हवा चलती है। इन्हीं को हम जो है एनाबैटिक और कैटाबैटिक विंड के नाम से जानते हैं, या इसी को हम घाटी समीर या इसी को हम पर्वतीय समीर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो यहां पर बस यही है, इन पवनों को घाटी समीर कहा जाता है, या इनको एनाबैटिक के रूप में भी जाता है। घाटी समीर का मतलब क्या हो गया, घाटियों के निचले भाग से ऊपर की अपेक्षाकृत जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है वहां हवा बनना शुरू हो जाती है, इनको हम घाटी, घाटी से चोटियों की तरफ हवा चलेगी तो हम इनको क्या कहें, घाटी समीर, या हम इनको एनाबैटिक विंड भी कहते हैं, है ना, एनाबैटिक विंड के रूप में भी इनको जाना जाता है। और रात्रि के समय स्थिति उलट जाती है, पर्वत के ऊपर से या पर्वत से घाटी की तरफ हवा चलना शुरू हो जाती है तो हम इसको क्या कहते हैं, पर्वतीय समीर, पर्वतीय समीर, इसको हम कैटाबैटिक विंड, इसको हम एनाबैटिक विंड, और इसको हम कैटाबैटिक विंड के नाम से जानते हैं। तो लोकल लेवल पे अगर हम देखते हैं दिन में 2 बार दिशाओं का परिवर्तन होता है पवनों का, एक आपको तटीय इलाकों में और एक आपको पर्वतीय क्षेत्रों में। क्लियर है? और बाकी इसके अलावा मौसमी आधार पे, सीजनल लेवल पे हमको कुछ क्षेत्रीय स्तर पर विंड्स मिलते हैं, लोकल विंड्स मिलते हैं, उनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। लू के बारे में आपसे चर्चा विस्तार से किए थे, है ना, इसकी चर्चा किए थे, यहां पर उसके लिए राइटअप भी दे दिए कि लू है क्या, है गर्म है शुष्क हवा है, सबकी चर्चा आपके साथ कर चुके हैं। लू के बारे में चर्चा किए थे, फॉन के बारे में चर्चा किए थे कि फॉन क्या होता है उसके बारे में आपको बताए थे, दुनिया के किस हिस्से में प्रभावित करता है उसके बारे में चर्चा किए थे, तो इन सब चीजों की चर्चा कर लिए थे, चिनूक के बारे में चर्चा किए थे, है ना। तो अब इसकी चर्चा दोबारा नहीं कर रहे हैं, नोट्स आपको दे दिए हैं उसके साथ, लेकिन इसकी चर्चा ऑलरेडी हम विस्तार से आपके साथ कर चुके हैं। क्लियर है? तो मूव करते हैं आगे, अब इस टॉपिक पे ज्यादा चर्चा करने की हमको जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम लोगों ने प्लेनेटरी विंड्स को देख लिया, दिन में 2 बार जो दिशाओं का परिवर्तन हो रहा है वो पर्वतीय क्षेत्रों में और तटीय क्षेत्रों में हो रहा है
है ना, उसके बारे में भी चर्चा कर लिया। और जो लोकल विंड्स है, सिरको, हरमटन, फॉन, चिनूक, है ना, नॉर्वेस्टर, जो भी है, इन सब के बारे में ऑलरेडी मैंने विस्तार से आपके साथ पहले चर्चा भी किया है, मैं आपके साथ उसको दिखाया भी था। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने समझ लिया। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक लेने के बाद जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको हेडली सेल, फेरल सेल और पोरल सेल के संदर्भ में बता रहा था कि ऊपर हवाओं का एक, जो कह सकते हैं कि कुछ एक टुकड़ा ऊपर ही छूट जाता है, क्यों? क्योंकि हवा बेहतर तरीके से मिक्स नहीं हो पाई है, और उस पूरी प्रक्रिया में जो ऊपर हवा छूट जाती है उसका परिसंचरण होता है, क्योंकि पृथ्वी भी अपने अक्ष पे घूम रही है, और ऐसी हवा को हम जेट धारा या जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो चूंकि हम लोगों ने नीचे जितने भी पौने थे उनको हम लोगों ने समझ लिया, अब जरा जो बचा हुआ हिस्सा है इस पोलर फेलर और हेडली सेल का, उनके इस हिस्से को भी देख लेते हैं, या इस जेट धारा के कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। तो 10 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दोबारा इसको शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक दो सवाल है आप लोगों के, पहले सवाल ले लेते हैं और इसके बाद फिर शुरू करते हैं। राजन का सवाल है, राजन ने सवाल पूछा है, हेडली सेल में एयर की स्पीड सेम रहती है, डिफरेंट रहती है? हेडली सेल पूरा का पूरा एक चक्र है ना, तो जो नीचे वाला हिस्सा है उसको व्यापारिक पौने कहते हैं। जितना ज्यादा उच्च और निम्न दाब के बीच में अंतर होगा उतनी तेज गति से हवाएं चलेंगी। जैसे जब लू चलता है गर्मी के दिनों में अपेक्षाकृत बड़ी ही तेज गति से चलता है। कभी कभी आप देखेंगे कि बारिश का जब समय होता है, जून जुलाई अगस्त का महीना है, होता है अपेक्षाकृत बहुत ही तेज गति से हवाएं चलती हैं। तो ये जो हवाओं की गति है वो इस बात पे निर्भर करती है कि उच्च और निम्न दाब के बीच में अंतर कितना है, यानी कि दाब प्रवणता बल कितना ज्यादा है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कितना है। ठीक है, तो आपने पूछा है कि हेडली सेल में एयर का स्पीड सेम रहता है या डिफरेंट रहता है। तो वायु की गति अलग अलग रहेगी और डिपेंड करेगा कि उसके बीच में दाब प्रवणता का बल कितना ज्यादा है। एक सवाल विपिन का है, विपिन का सवाल ये है कि सर मई मई जून के मंथ में 30 डिग्री भारत में भी पछुआ पवने चलती हैं। हाँ हाँ चलती हैं, बिल्कुल चलती हैं। वो कैसे चलती हैं? हाँ देखिए, पछुआ पवने जो हम भारत में कहते हैं उसको हम लोकल लेवल पे कहते हैं, मतलब वो एक प्रकार का मिसनोमर है, वो एक्चुअली में लू है ना। एक्चुअली में जो पछुआ पवने हैं वो लू है। लू को मतलब हम मतलब जनरली उत्तर भारत में, खास करके पूर्वांचल में, उसको पछुआ कहते हैं क्योंकि पश्चिम दिशा से चलती है, तो लोकल लेवल पे हमने उसको नाम दे दिया कि ये पछुआ है। जब भी पछुआ हवाएं चलेंगी एक चुनौती होगा, है ना, गर्मी के दिन में चलेंगी तो अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा शुष्कता को लेके आएंगी। तो ग्रामीण परिवेश में उसका इस्तेमाल किया गया है, क्यों? क्योंकि वो दिशा है कि पश्चिम से आ रही है तो अपेक्षाकृत गर्म होगी उस संदर्भ में, लेकिन एक्चुअली में जो हवा है वो लू है ना, कि मई जून के महीने में जो पश्चिम से हवा चलती है, जो आप कह रहे हैं मई जून तो नहीं, जून से पहले अप्रैल और मई के महीने में ये जो हवा चलती है उसको हम पछुआ पवने कहते हैं। ठीक है, तो मिसनोमर है, मतलब ग्रामीण परिवेश में उसको एक नाम दे दिया गया क्योंकि पश्चिम दिशा से चल रही है लेकिन एक्चुअली में वो लू है। ठीक है, 30 डिग्री भारत में भी पछुआ पवने चलती हैं, वो कैसे? जब वो 60 डिग्री, ठीक है, क्लियर हो गया विपिन? वो लोकल लेवल पे एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब आसान भाषा में उसको पश्चिम से चल रही है तो पछुआ कह दिया गया, लेकिन एक्चुअली में वो लू होता है, और लू भारत में राजस्थान से या राजस्थान के इलाकों से पूरे भारत में, या खास करके उत्तर भारत की तरफ चलती है। तो उत्तर भारत में राजस्थान की लोकेशन को देखें तो पश्चिम में है, और बाकी के जो प्लेन एरियाज हैं वो पूरब में है। तो हमने कहा कि वो इस दिशा से इधर चल रही है तो पछुआ हो गई, लेकिन एक्चुअली में वो लू है ना। और लू के बारे में पहले भी चर्चा किए थे और आज के नोट्स में भी आपको बताए हैं। एक और जो सवाल है, रोशन का सवाल है कि सर फिर बरमूडा ट्राइंगल्स का निर्माण हेडली सेल के आसपास कैसे हो पाता है? ठीक है, अब बरमूडा ट्राइंगल्स के बारे में चर्चा कभी और करेंगे। ठीक है, हेडली सेल के बारे में जो बताए हैं उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए कि हेडली सेल होता क्या है ना। 0 से 30 डिग्री के बीच में हवाओं का जो परिसंचरण धरातल पे और ऊपर है उस पूरे एक चक्र को हम हेडली सेल कहते हैं। बरमूडा ट्राइंगल्स को भी रहने दीजिए, है ना, कि निर्माण कैसे होता है बरमूडा ट्राइंगल्स को लेके अबुझ पहेली है वो भी एक प्रकार से अभी भी। अपराजिता का सवाल है,
गुड आफ्टरनून अपराजिता सर, पुरानी क्लास में मैंने कहा था वो समय आएगा तो मैं आपको उसको कराऊंगा, ये जरा ये पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर जो पवन बचा हुआ था ना शायद, सर पुरानी क्लास में आपने बताया था कि माउंटेन में लोग ऊपर साइड रहते हैं, ऊपर साइड का मतलब है कि जो स्लोप एरिया होता है ना पर्वतों का, जो ढाल होता है उस पर रहते हैं, स्लोप एरिया में रहते हैं क्योंकि रात में हिल साइड गर्म होता है और वैली साइड से ठंडा होता है। हाँ ठीक है, बट अभी आपने बताया कि विंड रात में वैली साइड से हिल साइड की तरफ, रात में नहीं कहा था। चलिए क्लियर करते हैं इसको, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ध्यान से सुनिएगा अपराजिता और बाकी सब लोग आप लोग, है ना। इसमें ये है, मैंने ये कहा कि मान लीजिए कि ये चोटी है और ये घाटी है, मान लीजिए ये घाटी हो गई है ना और ये चोटी हो गई। देखिए सूर्य की रोशनी पड़ी, ये गर्म हो गया, ये अपेक्षाकृत थोड़ा दूर भी है, ये पास में भी है, तो ये अपेक्षाकृत गर्म हो गया, दिन के समय की बात कर रहा हूं, दिन के समय की है ना, दिन में अपेक्षाकृत गर्म हो गया, ये अपेक्षाकृत उतना गर्म नहीं हो पाया, ये अपेक्षाकृत उतना ज्यादा गर्म नहीं हो पाया, तो उतना गर्म नहीं हो पाया तो अपेक्षाकृत ठंडा रहा, ठंडा रहा तो हाई प्रेशर, ये गर्म हो गया तो लो प्रेशर। किस समय की बात कर रहा हूं, दिन की बात कर रहा हूं, लो प्रेशर और ये क्या हो गया हाई प्रेशर, तो हवाएं कैसे चलेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, कब दिन के समय में। रात के समय में क्या हुआ, ये स्थान अपेक्षाकृत ऊंचा है, ऊंचा है तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा इसका मतलब क्या है, ये वाला हिस्सा अपेक्षाकृत ज्यादा ठंडा होगा और इसकी तुलना में ये नीचे है तो अपेक्षाकृत गर्म होगा, तो ये वाला हिस्सा अगर ठंडा होगा रात के समय में तो अत्यधिक ठंडा होने से हाई प्रेशर, और ये वाला हिस्सा जो दिन में हाई प्रेशर था रात के समय में उसकी तुलना में अपेक्षाकृत, चोटी की तुलना में अपेक्षाकृत गर्म रहेगा तो लो प्रेशर, तो ये क्या हो गया लो प्रेशर। रात के समय में हवाएं क्या होंगी, रात के समय में ये ठंडी हवाएं नीचे की तरफ चलेंगी और ये ठंडी हवाएं सब यहां इकट्ठा हो जाएंगी, और इकट्ठा हो जाएंगी तो ये जो घाटी वाला इलाका है वो अपेक्षाकृत रात को बहुत ज्यादा ठंडा या ठंडक के साथ होगा, यहां पाला पड़ने की संभावना होगी है ना, लगातार बर्फबारी की संभावना होगी, अत्यधिक ठंडा होगा और लोग ऐसे क्षेत्रों को क्या करेंगे अवॉइड करेंगे, और रात के समय में यहां जो भी गर्म हवा है ये लगातार ऊपर उठती रहेगी और ठंडी हवा लगातार नीचे बैठती रहेगी, तो ये जो स्लोप वाला इलाका होगा वो अपेक्षाकृत न इस चोटी की तरह बहुत ज्यादा ठंडा होगा और न इस घाटी की तरह जहां सारी ठंडी हवाएं इकट्ठा हो रही होंगी वैसी स्थिति होगी, तो ये जो स्लोप वाला इलाका होगा ये सबसे बेहतर या कंफर्टेबल लोकेशन होगा, जहां पर न बहुत ज्यादा ठंडी और न बहुत ज्यादा गर्म हवा इकट्ठी, ये बहुत ज्यादा ठंडी हवा यहां पर नहीं इकट्ठी हो पाएगी और थोड़ा थोड़ा गर्म हवा भी लगातार ऊपर उठ रहा होगा, तो इस पूरी प्रक्रिया में ये जो स्लोप वाला इलाका होगा ये सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या निवास के पॉइंट ऑफ व्यू से, कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेहतरीन लोकेशन होगा। क्लियर हो गया, ये कन्वे कर रहे थे आपको एनाबेटिक और कैटाबेटिक विंड के माध्यम से, पर्वत समीर और घाटी समीर के माध्यम से। क्लियर हो गया, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से पूछ लीजिएगा। चलिए क्लियर हो गया, तो लगभग क्वेश्चंस को ले लिया हम लोगों ने, अब आगे मूव करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं, अब हमको जो समझना है वो है जेट धारा, तो जेट धारा को लेके मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जेट धारा क्या है, जीरो डिग्री, तीस एंड हाफ डिग्री, 40 से 60 डिग्री के बीच का अक्षांश इसको मान लेते हैं, है ना, यहां से हवाएं कैसे चल रही हैं, ऐसे, इधर से भी ये जो 30 डिग्री है यहां से हवाएं कैसे चल रही हैं, ऐसे,
ये दोनों हवाएं मिली और मिलने के बाद ऊपर उठी। यहां पर क्या हो रहा था, हवाएं ऐसे चल रही, क्लियर है? तो यहां क्या हो गया, ये हवा ऊपर गई, ठंडी हो गई, ठंडी होने के बाद क्या हुई, नीचे बैठी। ये क्या है, ये गर्भ हवा है। अब यहां पर भी हमने क्या देखा, ये ध्रुवी क्षेत्र से हवाएं आई और 40 से 40 डिग्री मान लीजिए, 40 से 60 डिग्री यहां पर ये दोनों हवाएं आपस में मिली। मिलने के बाद ये हवा क्या होगी, ऊपर उठेगी। मिलने के बाद ये हवा क्या होगी, ऊपर उठेगी। एक हिस्सा इस तरफ ध्रुवी क्षेत्रों की तरफ, एक हिस्सा यहां पर। इसकी प्रकृति ठंडी है, ये जो हवा है, ये ध्रुवी क्षेत्र की हवा भी है तो इसकी प्रकृति ठंडी है, इसकी गर्म है। ये दोनों हवाएं मिल रही हैं, कुछ हवा का मिक्सिंग बेहतर नहीं हो पाएगा, हो सकता है उसका तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा हो या कम हो और बाकी के हवा का तापमान एक जैसा हो। दोनों नीचे की तरफ मूव करना भारी हो जाएंगे, नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे, कुछ पार्सल ऑफ एयर यहां छूट जाएगा, क्लियर है? वैसे ही यहां पर क्या हो रहा है कि दो विपरीत कैरेक्टर की हवाएं आपस में मिली है, एक यहां गर्म हवा और एक ठंडी हवा, दोनों आपस में मिली, दोनों ऊपर उठी, लेकिन इन दोनों हवाओं का मिश्रण हो सकता है बेहतर ना हो। तो यहां कुछ पार्सल ऑफ एयर जब यहां से हवा नीचे गिरना शुरू करेगी तो हो सकता है कि कुछ गर्म एयर ऊपर ही रह जाए और रह जाएगी, तो यहां एक पार्सल ऑफ एयर रह गया और यहां एक पार्सल ऑफ एयर रह गया। कहां पर, 30 से 35 डिग्री के बीच में कुछ हवा, एक ऊंचाई पे 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे यह हवा यहां रह गया और यहां पर 40 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में यह हवा यहां पर ऊपर रह गया और पृथ्वी पश्चिम से ऊपर, पश्चिम से पूरब की तरफ लगातार घूम रही है। इस पूरी प्रक्रिया में ये जो हवा पार्सल रह गया है, ये भी पृथ्वी के इस घूर्णन गति के कारण लगातार पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ घूमता रहता है और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम जेट धारा कहते हैं। जेट क्यों, क्योंकि अत्यधिक तीव्र गति से 200-250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये घूमती रहती है या कई बार इससे ज्यादा वेलोसिटी या गति से ये मूव करती है। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, जेट स्ट्रीम। किस हाइट पे होता है, 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये बहता है। कहां पर बहता है, तो दो इसकी धाराएं हैं, दो जेट की धाराएं हैं, एक उपध्रुवीय क्षेत्र 40 से 60 डिग्री के बीच का क्षेत्र जहां पर ये हवाएं, और एक 30 से 35 डिग्री अक्षांश का क्षेत्र जहां पर ये जेट धाराएं बहती। अब इसके बारे में पता कैसे चला, एक छोटी सी स्टोरी, एक छोटी सी कहानी कि 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई पे 250-300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, 250-300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है ना, पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ, पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ। अब एक काम करिए, आप लोग विश्व का मैप ओपन करिए, वर्ल्ड मैप ओपन करिए, विश्व का मैप, पॉलिटिकल मैप, विश्व का मैप, पॉलिटिकल मैप ओपन करिए। वर्ल्ड मैप ओपन करिए और वर्ल्ड मैप में देखिए जापान का लोकेशन, एशिया के एकदम पूरब में देखिए जापान, चीन के थोड़ा सा और ईस्ट में देखिए, थोड़ा सा उत्तर पूरब में देखिए जापान, और बीच में एक समुद्र है प्रशांत महासागर, उस समुद्र के पूरब में देखिए एक देश है, उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। मिल गया, मिल गया तो यस लिखिए, लोकेशन मिल गया तो यस लिखिए। एक तरफ जापान है, बीच में प्रशांत महासागर है और दूसरी तरफ यूएसए है। मिला, मिल गया। चलिए अब एक स्टोरी सुनाते हैं आपको ताकि आप इस बात को हमेशा के लिए ध्यान रखें, एग्जाम में बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा लेकिन समझदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जापान और अमेरिका दोनों की लोकेशन को देखते हैं, ठीक है, समझ गए, आप लोगों ने देख लिया। जापान और अमेरिका, यूएसए, इन दोनों के लोकेशंस को हम देखते हैं तो जापान पश्चिम में है और यूएस पूरब में है ना, जापान पश्चिम में है और यूएस पूरब में है ना। आप मैप में जो देख रहे होंगे, एक तरफ जापान है और उसके पूरब में, प्रशांत महासागर के पूरब में यूएसए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए कि सपोज यहां पर जापान है और यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, मान लीजिए कि अमेरिका है, सपोज मान लीजिए,
तो ये पश्चिम में हो गया और ये ईस्ट में हो गया। और मैंने कहा जेट धारा कैसे घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, और पृथ्वी अगर पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है तो जेट धारा ऐसे चल रही होगी, ऐसे ही घूम रही होगी, है ना, पश्चिम से पूरब की तरफ, ठीक है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका के एक आइलैंड पे हमला किया, उसका नाम था पर्ल हार्बर, है ना, पूरा उस पर्ल हार्बर को डिस्ट्रॉय कर दिया जापान ने। उसको काउंटर अटैक करने के लिए यूएस ने जो है जापान के ऊपर बमबारी की, है ना, जापान के ऊपर फाइटर जेट्स भेजे, जेट है ना, जेट प्लेन्स, फाइटर जेट जो है वो भेजे बम गिराने के लिए। तो जब ये अमेरिका से ये फाइटर जेट्स जापान की तरफ उड़ रहे थे 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई पे, तो उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी जापान पहुंचने में। क्यों दिक्कत हो रही थी, 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई पे जब ये ट्रेवल कर रहे थे तो देखे कि उधर से 250-300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है जो इनकी गति को बहुत धीमी कर दे रही है। तो पहली बार दुनिया को इस द्वितीय विश्व युद्ध के समय में पता चला कि 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई पे, है ना, ध्यान से जापान के लोकेशन को देखिए, 40 से 60 डिग्री के बीच में आपको मिल जाएगा, 40 से 60 डिग्री के बीच में जापान का लोकेशन आपको नजर आएगा, ठीक है। इस 40 से 60 डिग्री के बीच में अमेरिका जब अटैक करने के लिए जा रहा था, तो अमेरिकन फाइटर प्लेन्स ने बार बार ही रिकॉर्ड करके बताया कि हमको दिक्कत हो रही है जापान की तरफ जाने में, हमारी गति स्लो हो जा रही है क्योंकि उधर से बहुत ही तीव्र गति से हवाएं चल रही हैं। तब दुनिया को पता चला कि इस 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई पे पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ एक हवा चलती है, और चूंकि ये जेट प्लेन को भी चुनौती दे रही थी और जेट की स्पीड से चल रही थी, तो हमने इसको जेट स्ट्रीम का नाम दे दिया। तो नामकरण समझ में आया क्यों इसका नामकरण पड़ा, है ना। वेस्ट में यूएसए नहीं है, ईस्ट में यूएसए है। मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे ना, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूरब में ये है और पश्चिम में जापान है, और हवाएं पश्चिम से पूरब की तरफ चलती हैं, है ना। अभी मैप में भूल जाइए सब चीज कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है क्या नहीं है, वो सब चीज भूल जाइए। जापान पश्चिम में है अमेरिका के, और ये पूरब में है। अगर मैप का लोकेशन देखें आप ध्यान से, तो ये ईस्ट में है, ये वेस्ट में है, और हवाएं ऐसे चलेंगी, है ना, और ऐसे चलेंगी। तो जब अमेरिका से प्लेन जा रहे होंगे जापान पे बम गिराने के लिए, तो इधर से हवा 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई पे बाधा के रूप में होगी। तो यहां पर अमेरिकन जब जापान पे बम गिराने के लिए गए, तो उनको दिक्कत हुई, बम गिराए, और बम गिराने के बाद जो उनको समय लगा था उससे कम समय में अमेरिका में पहुंच गए। क्यों? क्योंकि पीछे से जेट स्ट्रीम भी उनको पुश कर रही थी। तब वहां से अध्ययन शुरू होता है जेट स्ट्रीम का, दुनिया को पता चलता है कि एक जेट धारा होती है। आगे चल के इसके ऊपर रिसर्च होता है और पता चलता है कि जेट धारा केवल इस 40 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में ही नहीं है, ये 30 डिग्री के अक्षांश पे भी अवस्थित है। तो यहां पर पता चला कि जेट धाराएं दो हिस्सों में है, है ना, या उसको अगर हम देखें तो जेट धारा को कह सकते हैं कि ये दो भाग है, या कह सकते हैं कि दो प्रकार के हैं, एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है और दूसरा जो है वो उपध्रुवीय क्षेत्रों में जेट धारा हमको नजर आती है। दस बारह किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ रहे हैं, या 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ रहे हैं, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं कि क्षोभ मंडल की ऊपरी परतों में 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य में, जनरली 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ते हैं, 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, है ना, पश्चिम से पूरब की तरफ तीव्र वेग से चलने वाली हवाओं को परिध्रुवी हो सकती है, उष्णकटिबंधीय हो सकती है धाराओं को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ये पवन धाराएं दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों से ध्रुवीय क्षेत्र तक वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होती हैं, है ना, यानी कि बीच का जो क्षेत्र है विषुवत रेखा को छोड़ दीजिए, तो उसके उत्तर वाला जो इलाका है उसमें हमको जेट धारा नजर आती है, है ना, जेट धारा हमको मिलती है। ये आपके सामने वो इमेज है, ये गुलाबी रंग का है, ये गर्म क्षेत्र में है, और ये 40 से 60 डिग्री वाला अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्र में है। तो हमने इस गुलाबी वाले को नाम दे दिया उपोष्णकटिबंधीय, है ना, उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय जेट धारा नाम दे सकते हैं, उपोष्णकटिबंधीय, और ये ध्रुवीय क्षेत्र में है, तो इसको हमने ध्रुवीय जेट स्ट्रीम का नाम दे दिया। दो प्रकार की जेट धारा हो गई, मतलब आपके लिए जेट स्ट्रीम जो है वो दो है, ये दो रीजन्स में है। कौन कौन से रीजन्स में? एक तो 30 डिग्री के आसपास का क्षेत्र हो गया,
और दूसरा आपको 40 से 65 डिग्री के आसपास का क्षेत्र हो गया। तो एक को हमने पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम कह दिया और दूसरे को हमने ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कह दिया, या उपोष्णकटिबंधीय जेट धारा का नाम हमने दे दिया। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इन दोनों में हमको यही स्थिति नजर आती है। क्यों ये बनता है उसके पीछे का तर्क मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये जेट धारा के बनने के पीछे का रीजन क्या है। पोलर सेल, फेरल सेल और हेडली सेल का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा या क्लियर हो गया है तो वही तर्क है जेट धारा के बनने का, है ना। ये कुछ ऐसा होता है, हवाएं ऊपर उठती हैं, है ना, मिक्स होती हैं, कुछ ऊपर ही रह जाता है, ऊपर ही रह जाता है, वही हवा आगे की तरफ बढ़ जाता है क्योंकि पृथ्वी भी अपने अक्ष पे घूम रही है, और वही हवा जो आगे बढ़ जाता है वही जेट धारा कहलाता है। क्लियर है, उसी को हम जेट धारा के नाम से जानते हैं। ये वो इमेज है, है ना, ये हेडली सेल हो गया, ये फेरल सेल हो गया। हेडली सेल पोलर सेल, है ना। हेडली सेल में दोनों एक ही प्रकार की हवाएं मिले, ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद वो नीचे गिर गई। यहां पर ये दो विपरीत कैरेक्टर की हवाएं हैं, ये और ये दो ऐसे जगह हैं जहां पर दो विपरीत कैरेक्टर की हवाएं आपस में मिल रही हैं। और यहीं पर देखिए तो ये हवा जो ऊपर छूट गई है यही हमको जेट धारा के रूप में नजर आती है, और यहां पर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, ये वाला, है ना। क्लियर है, ये दोनों जगह पे आप देखिए दो विपरीत कैरेक्टर की हवाएं जो इस सेल के बीच में बन रही थी, वही हवा जो ऊपर छूट गई है वही हमको जेट धारा के रूप में नजर आती है। क्लियर है, आसान है, कोई मुश्किल काम तो है नहीं, है ना, अपेक्षाकृत आसान ही टॉपिक है ये। अब अगर हम जेट धारा की कुछ प्रमुख विशेषताओं को समझना चाहें कि जेट धारा की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, तो एक एक करके इनकी विशेषताओं को देख लेते हैं। जेट स्ट्रीम का संचरण ऊपर होता है क्षोभ मंडल में, या क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्से में, हम जमीन पे हैं ये भी क्षोभ मंडल है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा जो है यानी कि 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई पे इनका संचरण होता है। तो एक विशेषता इसकी ये हो गई कि इनका जो परिसंचरण है वो क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्से में होता है। अगर यूपीएससी ये स्टेटमेंट दे कि जेट स्ट्रीम जो है वो धरातल के निकट चलती है तो स्टेटमेंट गलत होगा, धरातल के निकट नहीं चलती है, अपेक्षाकृत ऊंचाई पे चलती है, 10-12 किलोमीटर या क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में ये बहती है, है ना। एक ये हो गया। जेट धारा के वेग में क्या मौसमी परिवर्तन नजर आ सकता है? आ सकता है। क्यों मौसमी परिवर्तन होगा, या जेट धारा में मौसमी परिवर्तन क्यों होगा, इसको तर्क के माध्यम से समझिए। गर्मी के दिनों में इसको देखिए, ये जो हम देख रहे थे, गर्मी के दिनों में ये ठंडी हवा भी गर्म हो जाएगी, और गर्म हवा तो गर्म रहेगी, है ना। अब अगर गर्मी के दिनों में ये जो दो विपरीत हवाएं मिल रही हैं इनके बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, और बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा तो क्या जेट धारा मजबूत होगी? नहीं। जेट धारा के बनने के पीछे का जो मूल तर्क यही है कि दो विपरीत कैरेक्टर की हवाओं में बहुत ज्यादा अंतर होना चाहिए, उसके में डिफरेंस होना चाहिए। अगर वो अंतर होगा तो जेट धारा मजबूत हो जाएगी, अगर दोनों के बीच में अंतर कम हो जाएगा तो जेट धारा खत्म हो जाएगी। हमको मालूम है कि विषुवत रेखा में जेट धारा नहीं बनती है, विषुवत रेखा पे जेट धारा बनती ही नहीं है, थोड़ा बहुत बनती है, एक्सेप्शन है वो, उसकी चर्चा आगे मॉनसून की क्लास में करेंगे, लेकिन मोर और लेस इस विषुवत रेखा पे जेट धारा नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि दोनों हवाओं का कैरेक्टर एक ही है, एक ही कैरेक्टर होगा तो ऐसी स्थिति में बनने की संभावना नहीं होगी, लेकिन दो हवाओं के बीच में अंतर ज्यादा होगा तो ऐसी स्थिति ज्यादा गंभीर होगी, या जेट धारा अपेक्षाकृत ज्यादा प्रबल होगी, मजबूत होगी, उसका वेग ज्यादा होगा। गर्मी के दिनों में जब ये ऊपर वाली हवा भी अपेक्षाकृत गर्म हो और नीचे वाली हवा गर्म ही हो तो उनके बीच का अंतर कम हो जाता है, है ना, और इस पूरी प्रक्रिया में मिक्सिंग बेहतर होती है, जेट धारा कमजोर हो जाती है। लेकिन ठंड के दिनों में जो ठंडी पवन है या जो ठंडा हवा ऊपर से ध्रुवीय क्षेत्रों से बह रहा है वो अपेक्षाकृत अत्यधिक ठंडा होता है, और नीचे वाला हिस्सा तो अपेक्षाकृत गर्म रहता ही है, तो गर्म और ठंडे के बीच का अंतर बढ़ जाता है, और अंतर बढ़ जाता है तो वैसी स्थिति में पवनों का वेग भी, है ना, दाब प्रवणता भी बढ़ जाती है, और वो स्थिति जो है वो जेट धारा को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो एक विशेषता के संदर्भ में एक और विशेषता क्या हो गई कि जेट धारा गर्मी के दिनों में अपेक्षाकृत थोड़ी कमजोर होगी, है ना, उतनी मजबूत नहीं होगी, उसका वेग कम होगा,
लेकिन ठंडी के दिनों में इसका वेग ज्यादा होगा और इसका विस्तार भी दक्षिण की तरफ या विषुवत रेखा की तरफ बढ़ेगा, दक्षिणायन की तरफ या दक्षिणायन दक्षिण की तरफ ये शिफ्ट होगा। तो ये पॉइंट यहां लिखा है, जेट स्ट्रीम में पवन या पवनों का जो वेग होता है उसमें मौसमी परिवर्तन देखा जाता है। ग्रीष्म काल की तुलना में शीतकाल में जेट धारा अधिक प्रबल होते हैं तथा इनका वेग दोगुना अधिक हो जाता है, अपेक्षाकृत ज्यादा मजबूत होते हैं क्योंकि दाब प्रवणता बल या आप कह सकते हैं कि दो वायु के बीच में तापमान में अपेक्षाकृत ज्यादा अंतर देखा जाता है। देखिए इनका आकार सर्पिलाकार होता है या ये बिल्कुल सीधा नहीं बहते हैं, जैसे ये मैंने आप ध्यान से देखिए ये जो गुलाबी गुलाबी बीच में लाइन नजर आ रहे हैं ये इनको ध्यान से देखिए तो ये सर्पिलाकार नजर आ रहा है, बिल्कुल ऐसा सीधा नहीं कि जेट धारा बिल्कुल ऐसे सीधे यानी कि 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की ऊंचाई में बिल्कुल एकदम सीधा बह रही हो, ऐसा हमको नजर नहीं आता है। क्यों ऐसा नजर नहीं आता है, इसका कारण क्या है, इसका तर्क क्या है? तो बहुत सिंपल इसका तर्क है, इसका तर्क ये है कि ये जो हवा है ना, ये आपको क्या लग रहा है, ये हवा की कुछ मोटाई नहीं होगी, ये हवा की मोटाई नहीं होगी, या ये हवा जो है अगर ये जो हवा देख रहे हैं आप, सॉरी ये जो हवा आप देख रहे हैं या ये जो गुलाबी रंग आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है ये एक आध सेंटीमीटर चौड़ा है, ये हजारों किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है, मतलब विस्तार होता है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर से लंबा होता है और हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर से चौड़ा होता है, 400, 500, 600 किलोमीटर इसका विस्तार होता है, इसका विड्थ होता है। तो जरा सोचिए कि अगर 400-500 किलोमीटर ये लंबा है, हजारों किलोमीटर ये लंबा है और 400-500 किलोमीटर का इसका विस्तार है ना, इसका विड्थ है, तो अगर इसका विड्थ है तो ये जो हवा है, इस हवा का जो बीच वाला हिस्सा होगा और जो किनारे वाला हिस्सा होगा, क्या ये सब की गति समान होगी, सब के बीच में जो तापमान का अंतर होगा क्या वो समान होगा? जरूरी नहीं है, बीच वाला हिस्सा हो सकता है वो अपेक्षाकृत ज्यादा गति से बह रहा हो और इसका जो किनारा वाला हिस्सा हो वो इसकी गति के साथ आगे ना बढ़ पा रहा हो, ऐसा हो सकता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में जब ये पूरा का पूरा पवन एक साथ आगे बढ़ना चाहेगा तो इन सब की गति अलग अलग होगी, इस 400 से 500 किलोमीटर की हवा की गति एक जैसी नहीं होगी, एक जैसी नहीं होगी, तो जो किनारे वाले होंगे उसको ड्रैग कर रहे होंगे, पीछे की तरफ खींच रहे होंगे, इस पूरी प्रक्रिया में वो ऊपर नीचे होगा और ऊपर नीचे होगा तो यही सर्पिलाकार हो जाएगा, है ना, यही आपको एक सिनियस पाथ पे या एक सर्पिलाकार आकृति में ये आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एयर है वो एक कैरेक्टर नहीं है, उसके किनारे वालों की जो प्रकृति होगी वो केंद्र वाले से की तुलना में वो अलग हो सकती है, उनकी गति भी अलग हो सकती है। उस पूरी प्रक्रिया में वो किनारे वाले उसको लगातार अपनी गति से बीच वाले को ड्रैग करने का कोशिश करेंगे और वो लगातार ऐसे झूमता हुआ हिलता हुआ आगे बढ़ेगा और उस पूरी प्रक्रिया में सर्पिलाकार हो जाएगा। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है, इनका आकार सर्पिलाकार होता है ना, सर्पिलाकार आकृति में घूमते हैं। जेट स्ट्रीम में वायु का वेग बाहर की तरफ तेजी से कम होने लगता है, बाहर के किनारों पे वेग कम होता है और सेंटर वाले पार्ट पे अपेक्षाकृत वेग ज्यादा होता है, तो बीच वाला तेजी से आगे बढ़ना चाहता है और किनारे वाले उसको ड्रैग करते हैं, उस पूरी प्रक्रिया में वो हिलता डुलता आगे बढ़ता है और इस पूरी प्रक्रिया में ये सर्पिलाकार आकृति बन जाता है। ठीक है, मूव करते हैं आगे। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई है क्षोभ मंडल की, ये जेट धारा की, ये 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई पे होते हैं, कई बार इनका विस्तार इस क्षोभ मंडल से या जो क्षोभ सीमा है ऊपर ट्रोपोस्फेयर उसके ऊपर तक पहुंच जाता है, और ऊपर तक पहुंच जाता है तो चूंकि ये हवाएं नीचे से ऊपर उठी हैं तो 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो बादल का निर्माण हो रहा है उसमें जेट धारा की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ऊपर आद्रता जो भी हवा ऊपर लेके गई है उस आद्रता को जेट धारा अपने साथ रखी हुई है। कई बार जब ये जेट धारा इस क्षोभ सीमा के ऊपर चली जाती है ना, ऐसी स्थिति बनी कि ऊपर और उठ गई, ऊपर उठ गई तो ये क्षोभ सीमा को क्रॉस कर गई, तो क्षोभ सीमा को क्रॉस गई तो कहां पहुंच गई, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो कई बार हम जब आगे चर्चा करेंगे कि हम बादलों को देखते हैं तो अधिकतर बादल का जो हाइट होता है वो 6-12 किलोमीटर की ऊंचाई पे हमको जनरली जितने भी बादल होते हैं वो सब हमको मिल जाते हैं,
लेकिन कई बार हमको अपेक्षाकृत इस 12 किलोमीटर से ऊंचाई पे भी हमको बादल नजर आते हैं। तो ये जो बादल 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो नजर आते हैं या क्षोभ सीमा को क्रॉस करके समताप मंडल में हमको जो बादल नजर आते हैं, उसका मूल कारण यही है कि इन जेट धाराओं के द्वारा ये जो आर्द्रता थी इसको अपेक्षाकृत ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचा दिया गया है। और इस पूरी प्रक्रिया में समताप मंडल में कई बार बादलों का निर्माण हो जाता है, और इन बादलों के निर्माण के पीछे का जो रीजन है वो जेट धारा के द्वारा बादलों को पहुंचा दिया जाता है। क्लियर है? बादलों के बारे में विस्तार से आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। कभी कभी, अब इसी पॉइंट को देख लीजिए, कभी कभी जेट स्ट्रीम क्षोभ सीमा को पार कर जाती है ना, पार कर जाती है और समताप मंडल के निचले भाग में प्रवेश कर जाती है, नीचे वाले हिस्से तक पहुंच जाती है। इसके साथ साथ जल वाष्प जो जेट स्ट्रीम अपने साथ लेके चल रही है उसकी कुछ मात्रा को वो समताप मंडल पे पहुंचा देती है, और इस पूरी प्रक्रिया में वहां पर बादलों का निर्माण होता है, और ऐसे बादल को पक्षाप मेघ कहते हैं। अब ये पक्षाप मेघ क्या होता है, बारिश करता है कि नहीं करता है, इसको बादल वाली क्लास में देखेंगे। तो अगर यूपीएससी ये स्टेटमेंट दे कि समताप मंडल में जो बादलों के निर्माण की प्रक्रिया है उसमें जेट स्ट्रीम महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ऐसा अगर स्टेटमेंट दो तो ऐसा स्टेटमेंट ठीक होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। एक और पॉइंट देखते हैं इसके संदर्भ में। जेट स्ट्रीम में हमको वेरिएशन नजर आता है। ठंड में अपेक्षाकृत जेट धारा ज्यादा प्रबल होती है, ज्यादा मजबूत होती है। सूर्य जब दक्षिणायन होते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में जेट धारा दक्षिण की तरफ या विषुवत रेखा की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो जेट स्ट्रीम उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। यानी कि जेट स्ट्रीम शीतकाल में दक्षिण की तरफ शिफ्ट होती है, और जब सूर्य उत्तरायण होते हैं उत्तरी गोलार्ध में तो उत्तर की तरफ शिफ्ट होती है। और शीत ऋतु में इनकी गति अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, क्योंकि दो हवाओं के बीच में जो अंतर होता है वो अपेक्षाकृत शीत ऋतु में ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं। जेट स्ट्रीम की तीव्रता में स्पष्ट रूप से देशांतरीय भिन्नता पाई जाती है। शीतकाल में जेट स्ट्रीम प्रबलतम वायु वेग से एशिया और पूर्वी तट के आसपास पाया जाता है, 60 डिग्री के आसपास, तथा पूर्वी अटलांटिक प्रशांत महासागर के ऊपर इसका वेग न्यूनतम होता है। ग्रीष्मकाल में सबसे प्रबल जेट जो है वो कनाडा की सीमा और भूमध्य सागरी क्षेत्र में प्रवाहित होता है। क्यों होता है इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, मॉनसून की क्लास में करूंगा। बस हमको यहां पर यह ध्यान रखना है कि मौसम के अनुसार ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में जेट धारा का वेग ज्यादा होता है और ग्रीष्मकाल में अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि जो दो विपरीत कैरेक्टर की हवाएं हैं उनका जो ताप का वेरिएशन है वो हमको ग्रीष्म ऋतु में कम नजर आता है, और ताप का वेरिएशन हमको शीत ऋतु में अपेक्षाकृत ज्यादा नजर आता है, जिसके कारण ये मिक्सिंग बेहतर नहीं हो पाती। मिक्सिंग नहीं बेहतर हो पाती तो ज्यादा वायु ऊपर छूट जाती है और उनका दाब प्रवणता, मतलब, और उस पूरी प्रक्रिया में उनकी गति भी अपेक्षाकृत हमको शीत ऋतु में ज्यादा नजर आती है। क्लियर है? ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक और पॉइंट अगर हम देखें, प्रत्येक गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, तो प्रत्येक गोलार्ध में स्थायी रूप से हमको दो क्षेत्र नजर आते हैं जेट धाराओं के। कौन कौन से दो क्षेत्र नजर आते हैं? एक उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा हमको नजर आती है, और दूसरा ध्रुवी वाताग्र जेट स्ट्रीम, 40 से 60 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर हमको एक जेट धारा नजर आती है। इसके अतिरिक्त एक अन्य जेट धारा है जो पूरे साल भर नजर नहीं आती है, मौसमी आधार पर नजर आती है, जून जुलाई अगस्त के महीने में नजर आती है, मॉनसून की क्लास में देखेंगे, उसको पूर्वी जेट धारा या ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य जेट स्ट्रीम उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है जो अस्थायी प्रकृति की होती है, ग्रीष्म ऋतु में पाई जाती है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। स्थायी रूप से ये दो रीजन्स हैं जहां पर हमको जेट धारा नजर आती है, है ना? ये स्थायी रूप से हमको ये दो जेट धाराएं नजर आती है, ये दो जेट धाराएं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं आगे। तो हम लोगों ने जेट धारा की विशेषताओं के संदर्भ में जो पहलू थे, जो पक्ष थे, उसको हम लोगों ने देखा और समझ लिया है। ठीक है, यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, यहां तक अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए, और नहीं आ रहा है तो बताइए, मतलब यस नो करके कमेंट कर दीजिए। यहां तक अगर आपको बात जेट धारा की समझ में आई है तो यस लिख दीजिए, और नहीं समझ में आई है तो नो लिख दीजिए, मतलब अगर कुछ समझाना है तो वो भी बात आप रख सकते हैं।
ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है आप लोगों ने लिखा, ठीक, गुड। चलिए, अब जब समझ में आ गया है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि क्लास का लेवल अच्छा है, समझदारी अच्छी है आप लोगों की। अब मैं इसमें, चूंकि आप लोग समझ चुके हैं, तो मैं थोड़ा और गहराई में लेके जा सकता हूं आपको, ठीक है। चर्चा आगे मॉनसून की क्लास में फिर से करूंगा, लेकिन चाहता हूं कि जब इतना समझ ही लिए हैं तो थोड़ा और समझ लीजिए, कुछ और पहलुओं को समझ लीजिए, आगे भारत के मॉनसून को समझने में और ये मदद करेगा। अगर इतना नहीं समझे होते तो शायद मैं आगे नहीं जाता, लेकिन इतना समझ लिए हैं तो थोड़ा आगे चलते हैं। ये जेट धारा है ना, ये दो प्रकार की जेट धारा हमको नजर आती है। यहां पर दो प्रकार की जेट धारा हमको नजर आ रही है, एक पोलर जेट धारा है और एक सब ट्रॉपिकल या उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा है, और एक ध्रुवी वाताग्र वाली जेट धारा है। साल भर ये बहती रहती है ना, साल भर ये पैटर्न है, बस सूर्य के साथ उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। सूर्य जब दक्षिणायन हो जाते हैं तो पूरा का पूरा जेट धारा दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जब सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं तो पूरा का पूरा जेट धारा उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये उस पॉइंट को बता रहा है ना, कि जेट धारा नीचे की तरफ शिफ्ट होती है, देखिए नीचे की तरफ आ गई, जब दक्षिणायन होगा सूर्य का, और जब सूर्य उत्तरायण होंगे तो ये उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये उत्तरायण, ये जेट धारा का उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है, शिफ्ट होगा, और साल भर ये ट्रेंड बना रहेगा, ये साल भर बहती रहेंगी, ये दो प्रकार की जेट धाराएं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं आपके साथ, थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा करते हैं, इसकी थोड़ी और समझदारी बनाते हैं। ध्रुवी वाताग्र, ये दो प्रकार की जेट स्ट्रीम हम लोगों ने देखा, एक तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और एक ध्रुवी क्षेत्रों की जेट स्ट्रीम, ध्रुवी वाताग्र जेट स्ट्रीम। तो ये क्यों बनता है, तो हमको मालूम है कि जो पोलर एरियाज हैं और जो 30 डिग्री का क्षेत्र है, वहां से जो हवाएं मिली, मिक्सिंग हुई, ऊपर उठे, हवाएं बेहतर तरीके से मिक्स नहीं हुई, और उस पूरी प्रक्रिया में ऊपर एक पार्सल ऑफ एयर छूट गया जो लगातार घूम रहा है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, और इस पूरी प्रक्रिया में एक वाताग्र या फ्रंटल जेट स्ट्रीम या पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम का निर्माण हो गया। तो यहां पर यही है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण धरातलीय ध्रुवी, जो पॉइंट बताए हैं, धरातलीय ध्रुवी, धरातल पे यानी कि जमीन पे ध्रुवी शीत वायु राशियां या ध्रुवी शीत वायु राशियों उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशियों के अभिसरण के कारण होता है। तो हम लोगों ने इसको देखा, समझा था, 90 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में हवाएं चल रही हैं, 40 से 60 मान लीजिए, और इधर 30 डिग्री से ये हवाएं चल रही हैं, ये पोलर है, ठंडा है, और ये गर्म है, ये दोनों हवाएं आपस में मिली, ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद उनकी दोनों की मिक्सिंग बेहतर नहीं हो पाई, और मिक्सिंग बहुत बेहतर नहीं हो पाई, तो एक हिस्सा यहां पर छूट गया। तो ये पॉइंट यही लिखा है कि इसका निर्माण धरातलीय ध्रुवी शीत वायु राशियों उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशियों के अभिसरण के ऊपर होता है, कन्वर्जेंस हो गया और ये ऊपर उठी, तो यहां पर इसका निर्माण हो गया। दो विपरीत वायु राशियों के कारण ताप प्रवणता अधिक होती है, टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, जिसके फलस्वरूप ध्रुवी वाताग्र जेट सिस्टम की उत्पत्ति होती है। जितना ज्यादा दोनों के बीच में अंतर होगा उतना ज्यादा ये मजबूती से आगे बढ़ेगा, क्लियर है। तो बनने के पीछे का समझ में आ गया, विपरीत कैरेक्टर की हवाएं आपस में मिली, यह दोनों गोलार्धों में यह स्थिति उत्पन्न होती है, 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य यह स्थिति उत्पन्न होती है, और इनको हम पोलर जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। यह किस दिशा से चलती है, तो पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ इनका संचलन होता है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, क्लियर हो गया। एक समझदारी इसको लेके भी मनना बनी, इसका प्रवाह मार्ग, इसका या प्रवाह मार्ग उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम की तुलना में अधिक विसर्पित होता है, ज्यादा ये इधर उधर मूव करता है, यानी कि इसका विसर्पण अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। इसका विसर्पण अपेक्षाकृत ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि ये दो विपरीत कैरेक्टर की हवाएं मिलती हैं, और दो विपरीत कैरेक्टर की हवाएं मिलेंगी, दो विपरीत कैरेक्टर की हवाएं मिलेंगी, तो ये जो विस्तार है इस हवाओं का, ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर है, तो इसका ये वाला हिस्सा क्या होगा, ठंडा होगा, ये वाला हिस्सा अपेक्षाकृत गर्म होगा, और बीच वाला हो सकता है कि इन दोनों के मध्य का होगा। तो इसकी अपनी एक गति होगी, इसकी अपनी एक गति होगी, और ये आगे बढ़ना चाहता होगा, इसको पीछे खींच रहा होगा, इसका ड्रैग ज्यादा होगा, उस पूरी प्रक्रिया में सर्पिलाकार होगा, क्यों, क्योंकि दोनों हवाओं के बीच में तापमान का अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा अंतर हमको देखने को मिलता है, क्लियर है। यह ग्रीष्म काल में ध्रुवों की तरफ शिफ्ट होता है, ग्रीष्म काल में
ये उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ग्रीष्म काल में जब सूर्य उत्तरायण होंगे तो उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और शीतकाल में भूमध्य रेखा की तरफ झुक जाएगा, मतलब थोड़ा दक्षिण की तरफ आ जाएगा। तो जब सूर्य का दक्षिणायन होगा तो इन सारे जितने भी ये जड़ धारा है ये भी दक्षिण की तरफ मूव करेंगे, और जब सूर्य उत्तर की तरफ होंगे तो ये उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये दक्षिण की ओर झुकती है तो अपने साथ ठंडी पवन को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की ओर लेकर आती है। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से होंगे, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आपके पेरेंट्स या आपने एक ग्रामीण पृष्ठभूमि को देखा होगा, और अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि को देखा होगा तो ये मालूम होगा आपको कि ठंड के दिनों में भी भारत में थोड़ी बहुत बारिश होती है। जब गेहूं बोया जाता है भारत में, है ना, जब गेहूं की फसल बोई जाती है नवंबर दिसंबर के महीने में, है ना। मोहित लिख रहे हैं कि स्टडी मटेरियल में ईस्ट टू वेस्ट लिखा है, उसको काट दीजिए, गलती से वो मिसप्रिंट हो गया होगा, बनाए तो हम ही हैं लेकिन टाइप करते समय किसी ने उसको ईस्ट टू वेस्ट लिख दिया होगा, वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है। वो मटेरियल भी जो आपके हाथ में है वो हम ही ने उसको कंप्लीट किया है आप लोगों के लिए, गलती से उसमें मिसप्रिंट हो गया होगा तो उसको वेस्ट टू ईस्ट मत लिखिए, ईस्ट टू वेस्ट नहीं लिखिए, ईस्ट टू वेस्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, आप लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से है तो मालूम होगा कि जब धान की खेती होती है, सॉरी, जब गेहूं की खेती होती है नवंबर दिसंबर में जब बोया जाता है, तो जब जनवरी फरवरी का महीना होता है तो गेहूं को धूप भी चाहिए होता है थोड़ा, और उस समय अगर गेहूं को थोड़ा सा पानी मिल जाए, है ना, अगर बारिश हो जाए थोड़ा, तो गेहूं की फसल लहलहा जाती है, खूब अच्छी हो जाती है। अब ये जो दिसंबर जनवरी के महीने में भारत में जो बारिश होती है, ये बारिश कैसे होती है, तो उस बारिश के लिए थोड़ा सा मैप ओपन करिए आप, चर्चा आगे करेंगे विस्तार से कि भारत में शीत ऋतु में बारिश होती है, लेकिन थोड़ा सा चर्चा आपके साथ कर ले, मतलब मेरे मन में भी हो सकता है कि थोड़ा सा आपको और समझाएं इस पॉइंट को, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, इंटरेस्टिंग लगेगा। मैप ओपन करिएगा, और मैप ओपन करके जो यूरोप वाला क्षेत्र था ना, यूरोप का वो 35 से 40 डिग्री वाला जो क्षेत्र था, 35 से 40 डिग्री वाला भूमध्य सागर का, उस क्षेत्र को देखिए, उस क्षेत्र को देखिए, ठीक है। ये पॉइंट कह रहा है, ये जो गुलाबी रंग में जो पॉइंट आपके सामने है, ये पॉइंट ये कह रहा है कि ग्रीष्म काल में, है ना, ग्रीष्म काल में ये उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और ठंडी के दिनों में दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो अगर मैं कहता हूं, मैं दिसंबर की बात करता हूं, ये जनवरी की बात करता हूं, इसका मतलब ठंडी के दिनों की बात कर रहा हूं, यानी कि सूर्य दक्षिणायन है, और सूर्य अगर दक्षिण की तरफ है या उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित ना हो कि दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है, इसका मतलब है कि जो पोलर जेट स्ट्रीम है ये दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और ये दक्षिण की तरफ शिफ्ट होते होते अपने आप को भूमध्य रेखा के क्षेत्र पर स्थापित कर लेती है। ध्यान से देखिए, 35 से 40 डिग्री भूमध्य रेखा का क्षेत्र। अब उसी 35-40 से होते हुए विश्व का मैप ओपन करिए, और उसके साथ होते हुए आप उत्तर की तरफ आइए, सॉरी पूरब की तरफ आइए, और जरा देखिए इस 35-40 के क्षेत्र में आते हैं तो भारत में क्या जम्मू कश्मीर का क्षेत्र आ रहा है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, क्या ये क्षेत्र इसी भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर के साथ साथ ये क्षेत्र क्या आ रहा है? अगर आ रहा है तो यस करके कमेंट करिए। भूमध्य सागर के साथ साथ आप पूरब की तरफ आइए तो जरा देखिए कि जहां पर भूमध्य सागर अवस्थित है, है ना, जहां पर भूमध्य सागर अवस्थित है उसके साथ साथ मैं आता हूं तो मुझे भारत का उत्तर वाला इलाका नजर आ रहा है क्या? अगर आ रहा है आपको तो यस लिखिए, और अगर नहीं आ रहा है तो नो लिख दीजिए। आ रहा है? ठीक है, आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से इस बात को समझिएगा, आगे चर्चा करूंगा, लेकिन थोड़ा मेरा मन किया कि थोड़ा और एक्सप्लेन करूं आपको, ठीक है। आज आप लोगों ने जो मैंने पढ़ाया, आप लोगों ने जो रेस्पॉन्स किया उसमें आप लोगों को समझ में आ रहा था, तो मुझे लगा कि थोड़ा और समझाते हैं, कुछ कुछ चीजों को और जोड़ते हैं आपके लिए। तो यहां पर अगर हम इसको देखें तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि ये जो जेट धाराएं हैं, जो वायु ऊपर रह गई है, ये अपने साथ आर्द्रता को भी तो लेकर रह रही होगी, ऊपर आर्द्रता भी तो होगी। दो हवाएं हैं वो ऊपर उठी तो अपने साथ जो भी इनके साथ आर्द्रता होगी उसको भी तो लेके ऊपर उठी, और ऊपर उठने के बाद ये कुछ हिस्सा जो ऊपर रह गया वो
पृथ्वी के घूमने के कारण वो आगे बढ़ रहा है। तो इमेजिन करिए कि ठंड के दिनों में जब ये जेट धारा अपने आप को भूमध्य सागर पर अवस्थित कर लेगी, तो इसके साथ जो भी आर्द्रता ये मिला होगा आपको इसको नीचे से, उस आर्द्रता को अपने साथ आगे लेके आ रही होगी, और इस आर्द्रता को जब आगे लेके आएगी तो सामने हिमालय पर्वत आ जाएगा, और सामने हिमालय पर्वत आ जाएगा तो उस पूरी प्रक्रिया में उससे टकराएगी, टकरा के ऊपर उठेगी, और उठेगी तो और ठंडी होगी, ठंडी होगी तो बारिश होगी, वर्षा होगी। उत्तर भारत में 3 से 4 बार दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में बारिश होती है। ये बारिश क्यों होती है? क्योंकि ये जो पोलर जेट स्ट्रीम है ये दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो जाती है और भूमध्य रेखा से अपने साथ कुछ आर्द्रता को लेके ये भारत की तरफ चलती है, हिमालय पर्वत से टकराती है, थोड़ा और ऊपर उठती है, ठंडी हो जाती है, ठंडी होने के बाद जो भी इसके पास एक्स्ट्रा आर्द्रता होती है उसका वो निक्षेपण कर देती है, उसको नीचे गिरा देती है, यही हमको वर्षा के रूप में नजर आता है। दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में जब बारिश होती है तो किसान खुश हो जाता है ना, उसको अच्छा लगता है, उसको लगता है कि अब मेरी फसल और बेहतर होगी। इसी को हम पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, आगे चर्चा इसके बारे में विस्तार से करेंगे। तो यहां पर यही पॉइंट लिखा हुआ है कि यह ग्रीष्म काल में ध्रुवों की तरफ और शीतकाल में भूमध्य रेखा की तरफ झुक जाती है, और जब यह दक्षिण की ओर झुकती है तो अपने साथ ठंडी पवन को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की ओर लेके आती है, हिमालय की तरफ लेके आती है, उसके साथ साथ कुछ आर्द्रता को भी अपने साथ लेके आती है, जिससे भारत जैसे जगहों पे या भारत उत्तर भारत के मैदान पे दिसंबर जनवरी के महीने में फरवरी के महीने में 3 से 4 बार एक हमको शीतकालीन वर्षा देखने को मिलती है, जो कृषि के दृष्टिकोण से बेहतरीन होती है, बहुत बेहतर होता है। क्लियर है? अब इसकी चर्चा विस्तार से भारत की क्लास में करेंगे कि भारत में ठंड के दिनों में कैसे बारिश होती है, भारत में ग्रीष्म ऋतु में कैसे बारिश होती है। लेकिन जेट धारा महत्वपूर्ण है, भारत में बारिश होने में जेट धारा की महत्वपूर्ण भूमिका है, थोड़ा बहुत अभी और चर्चा करेंगे आपके साथ। तो ये क्लियर हो गया यहां तक ध्रुवी वाताग्र जेट स्ट्रीम के संदर्भ में ये कॉन्सेप्ट। ये है ये जेट स्ट्रीम, ये नीचे की तरफ शिफ्ट होता है ना, ये नीचे की तरफ शिफ्ट होता है कब? ठंडी के दिनों में, जब ठंड होता है, जब ठंडा होता है तो जो कोल्ड लिखा हुआ है ना, तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, और जब गर्मी बहती है बढ़ती है तो उत्तर की तरफ शिफ्ट होता है ना, जब वार्मनेस बढ़ेगा तो उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जब गर्मी कम होगी ठंडक बढ़ेगी तो उसके साथ साथ ये पोलर जेट स्ट्रीम नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। क्लियर है? यानी कि इसमें सीजनल या मौसमी परिवर्तन होता है। ठीक है, क्लियर है? बस इतना ही समझना है, आसान सा टॉपिक है, कोई मुश्किल तो है नहीं, मतलब थोड़ा सा अगर चिंतन करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, साथ साथ चलेंगे तो जेट स्ट्रीम बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। कई बार मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो मैं क्वेश्चंस देखता हूँ या आंसर्स देखता हूँ, तो उसमें कई बार लगता है कि बच्चे ठीक से जेट धारा को नहीं लिखे थे, है ना। तो मुझे लगता है कि बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा हेडली पोलर सेल के साथ जोड़ना है, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आसान हो जाता है। ठीक है, तो एक हम लोगों ने जेट धारा को समझ लिया, अब एक दूसरी जेट धारा को समझ लेते हैं। एक दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा। 30 से 35 डिग्री के बीच में जो जेट धारा बन रही है उसको हमने कहा उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा। अब जरा इसको भी देख लेते हैं, ये क्या है ना, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। अगर भारत के मानसून को समझना है और अगर जेट धारा से जोड़ के समझना है, जेट धारा की भूमिका को समझना है, आगे जब मानसून की क्लास करेंगे तो थोड़ा सा आपके सामने पॉइंट रख देते हैं। आने वाले समय में जब मैं मानसून की चर्चा करूंगा तो कम से कम 10-12 ऐसे शब्दावली होंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो मानसून को समझने के लिए जरूरत पड़ेगा। जैसे घबराइएगा नहीं, शब्द बस कह रहे हैं, चर्चा विस्तार से करेंगे आपके साथ। एल नीनो, ला नीना है ना, इंसो, वॉकर सेल, इंडियन ओशन डाइपोल, जेट स्ट्रीम, पूर्वी जेट धारा, बेंगुएला करंट, दक्षिण पूर्वी मॉनसून, ऐसे कुछ शब्दावली का इस्तेमाल आने वाले समय में करूंगा मॉनसून को समझाने के लिए। सारे कॉन्सेप्ट हैं। मॉनसून या भारत में जून जुलाई अगस्त के महीने में बारिश होना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। जब आप इसके बारे में पढ़ लेंगे मॉनसून के बारे में, तो आपको यह आश्चर्य होगा कि दुनिया कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या हमारा जो वायुमंडल है वो कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। 8,000-10,000 किलोमीटर दूर भारत से कहीं पर कुछ एक्टिविटी हो रहा है, कहीं पर कुछ परिवर्तन हो रहा है,
या जलवायु की दशाएं बदल रही हैं वो भारत के मानसून को प्रभावित करती हैं, भारत के मानसून से जुड़ी हुई हैं, है ना। तो आने वाली क्लासेस में देखेंगे, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस मानसून को समझने में जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी, उसमें से एक कॉन्सेप्ट होगा जेट धारा। तो आज इसको समझ लीजिए अच्छे से और बाद में मानसून के समय दोबारा इसको जोड़ेंगे। आज थोड़ा बहुत हिंट जरूर दूंगा, थोड़ा बहुत चिंतन करने के लिए जरूर आपको पुश करूंगा कि आप लोग उस दिशा में सोचिए। यह है 30 से 35 डिग्री के बीच में, दोनों गोलार्धों में होगा, जैसे जो पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम है यह भी दोनों गोलार्धों में होगा, यह भी दोनों में होगा, दोनों विपरीत दिशाओं से हवाएं आके कन्वर्जेंस यहां पर जो हो रहा था, है ना, हाई प्रेशर का एरिया था 30 से 35 डिग्री का, हवाएं नीचे गिर रही थी, लेकिन इसको बना ही देते हैं कई बार, कुछ चीजों को रियलाइजेशन थ्रू विजुअलाइजेशन कहते हैं ना, ये कुछ चीजों को देख के ज्यादा समझ में आता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ये हवाएं ऐसे चल रही हैं, ये भी 30 डिग्री हवाएं ऐसे चल रही हैं, यहां से हवाएं ऐसे चल रही हैं, है ना, इन दोनों दिशाओं से हवाएं ऐसे चल रही हैं और यहां से हवाएं ऐसे चल रही है, ये हवा ऊपर उठी है ना, इसका एक हिस्सा यहां गया, इधर से जो हवा ऊपर उठी इसका एक हिस्सा यहां गया, ये गर्म है अपेक्षाकृत, ये वाला इलाके से जो हवा है ये अपेक्षाकृत ठंडी है, तो ये गर्म और ठंडा आपस में मिला, कुछ हिस्सा ऊपर रह गया और ये जेट धारा जो बह रही है इसी को हम लोगों ने आपको उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा कहा। यह दोनों गोलार्धों में होगा, यहां पर भी ऐसा होगा और यहां पर भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, ठीक है, दोनों तरफ होगा, अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है। यह ध्रुवी वाताग जेट स्ट्रीम की अपेक्षा अधिक नियमित रूप से संचरित होती है, अधिक नियमित का मतलब है कि इतना ज्यादा ये बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होती है, ऊपर नीचे वो क्यों होती है, क्योंकि उसमें तापमान का परिवर्तन अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, तो ये बहुत ज्यादा सर्पिलाकार नहीं होती है, ये अपेक्षाकृत ज्यादा नियमित होती है, एक फ्लो में एक रास्ते में अपेक्षाकृत ये बहती है ना, इसकी एक समझदारी हमारी बनी। तीसरा, इसकी गति ध्रुवी वाताग्र जेट स्ट्रीम की तुलना में कम होती है, ध्रुवी वाताग्र की गति अपेक्षाकृत ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि दो हवाओं के बीच में अंतर अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, ठीक है। विषुवत रेखा, या अगर हम इसको देखें तो विषुवत रेखा क्षेत्र के पास संवहन क्रिया के कारण ऊपर उठी हुई वायु 30 डिग्री के, जो पॉइंट आपको यहां पर समझा रहे थे ना कि कैसे इसका निर्माण होता है, वो पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है ना, इसको समझाने की जरूरत नहीं, वही सेम पॉइंट है जो अभी तक समझाए हैं कि इसका निर्माण कैसे हो रहा है, तो वो बता दिए हैं। उत्तर भारत में, उत्तर भारत में ये जो जेट धारा है, उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा है, ये भारत में बारिश के लिए जिम्मेदार है, भारत में बारिश के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है जेट धारा, जेट धारा की स्थिति बताती है कि भारत में बारिश होगी कि नहीं होगी, अगर जेट धारा भारत में रहेगा तो बारिश नहीं होगी, अगर जेट धारा भारत में गर्मी के दिनों में नहीं रहेगा, चीन और तिब्बत की तरफ चला जाएगा, तब भारत में बारिश होगी, क्लियर है, इसको थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा क्या होती है, तो मैंने आपको बताया कि उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा क्या होती है, 30 डिग्री के क्षेत्र पे जो मिलता है ना, 30 डिग्री के पास जो हवाएं मिलती हैं, है ना, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, इस 30 डिग्री पे क्या हो रहा है, हवाएं ऐसे चल रही हैं, यहां पर भी 30 डिग्री से हवाएं ऐसे चल रही हैं, ये हवा ऐसे चल रही है ना, यहां पर भी हवा ऐसे चल रही है, इस 40 से 60 डिग्री के बीच में हवा ऊपर उठी और ऊपर उठने के बाद इसका एक हिस्सा इस 30 डिग्री पे नीचे गिरा और ये विषुवत रेखा पे, ये ITCZ पे जो हवा ऊपर उठी थी उसका एक हिस्सा यहां पर नीचे गिरा, तो इन दोनों हवाओं के बीच में अंतर है, ये अपेक्षाकृत ठंडी हवा होगी, ये अपेक्षाकृत गर्म हवा होगी, इन दोनों हवाओं का मिक्सिंग हुआ, मिक्सिंग होने के बाद कुछ मिक्सिंग बेहतर नहीं हो पाया, कुछ ऊपर रह गया, तो ये हवा ऊपर रह गई और यही हवा जो है संचरण करती है 30 डिग्री के आसपास 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई पे, इसी को हम उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा के नाम से जानते हैं, 30 डिग्री के आसपास ये परिसंचरण करती है, ये घूमती रहती है। क्या इसमें मौसमी परिवर्तन होगा, क्या जब सूर्य उत्तरायण होंगे तो ये उत्तर की तरफ शिफ्ट होगा, क्या सूर्य दक्षिण की तरफ आएंगे या दक्षिणायन होंगे
तो ये पूरा का पूरा जेट धारा के दक्षिण की तरफ शिफ्ट होगा, तो होगा है ना, ये होता है। क्लियर है? अब इस बात को समझिए, इस बात को समझिए, एक छोटे से पॉइंट के माध्यम से आपको बता रहे हैं इस पॉइंट को, कि लगभग 35 से 40 डिग्री के बीच में यह सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम चलता है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम चलता है, और ग्रीष्म ऋतु में है ना, गर्मी के दिनों में यह दक्षिणायन होगा, जब सूर्य दक्षिण की तरफ चलेगा, या सूर्य जब दक्षिण की तरफ चलेंगे या दक्षिण की तरफ होंगे, दक्षिण का मतलब है जब सूर्य की किरणें, जब सूर्य की किरणें इस दक्षिण पे यानी कि इस मकर रेखा पे बिल्कुल सीधा पड़ेगा, है ना, जब मकर रेखा पे सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेंगी, जब मकर रेखा पे सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेंगी, तो इसका मतलब यह हो गया कि यह क्षेत्र अपेक्षाकृत ज्यादा ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो पूरा का पूरा जेट धारा दक्षिण की तरफ शिफ्ट होगा, दक्षिण की तरफ आएगा, ठीक है। ये बस समझा रहे हैं, इसको लिखवा नहीं रहे हैं। इस जेट धारा को मॉनसून के साथ आने वाले समय में विस्तार से नोट्स आपको मिलेगा, एकदम उसके लिए निश्चिंत रहिए। बस आज थोड़ा समझाने का और मन किया कि जेट धारा जब आप लोगों को समझ में आ गया, तो मुझे लगा कि एक लेवल और आगे लेके आपको जाए, है ना, एक लेवल थोड़ा और आगे बढ़ाए, ताकि आने वाली क्लासेस आपके लिए और आसान रहे और इंटरेस्टिंग रहे। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भारत में मॉनसून के लिए एक जिम्मेदार कारक है। देखिए, ये जो जेट धारा है ठंड के दिनों में दक्षिण की तरफ शिफ्ट होगा, और दक्षिण की तरफ शिफ्ट होगा तो ये भारत में अपने आप को अवस्थित कर लेगा, खास करके उत्तर भारत के मैदान में। उत्तर भारत के मैदान का मतलब क्या हो गया कि बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के मैदानों में 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई पे जेट स्ट्रीम अपने आप को स्थापित कर लेगी। और जेट स्ट्रीम अपने आप को जब ऊपर स्थापित कर लेती है, तो हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ चलती हैं, नीचे से हवा को ऊपर नहीं उठने देता है। जब भी जेट स्ट्रीम जहां पर भी स्थापित होगा, वहां पर हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ चलती हैं, नीचे से ऊपर की तरफ का स्कोप लगभग ना के बराबर होता है, मतलब उस क्षेत्र में जहां जहां पर भी जेट धारा अपने आप को स्थापित करती है। इसका मतलब है कि नीचे से ऊपर हवाएं नहीं उठ पाती है। ठंडी के दिनों में दिसंबर जनवरी के महीने में जेट धारा अपने आप को भारत के उत्तर भारत के मैदान में स्थापित कर लेती है। बारिश होने के लिए, है ना, वर्षा होने के लिए, बस इतना ही पॉइंट ध्यान रखिएगा, बारिश होने के लिए गर्म वायु का ठंडा होना जरूरी है, और ठंडा होने के लिए ऊपर उठना जरूरी है। जब वायु गर्म होती है तो अपने साथ खूब सारा पानी रख सकती है। जैसे अगर आप स्टोव पे पानी को या एयर को वहां पर गर्म करें, तो देखें कि जलवाष्प बन रहा है, यानी कि उसके आसपास वो गर्म हो रहा है, गर्म होकर वो ऊपर उठ गया। यानी कि कोई चीज जब गर्म होती है तो उसकी क्षमता ग्रहण करने की बढ़ जाती है, खास करके जलवाष्प की। लेकिन जब वो ठंडा होता है, वो वायु जब ठंडा होता है, तो उतने ज्यादा जलवाष्प को अपने साथ नहीं रख पाता है। क्यों? क्योंकि वो जलवाष्प धीरे धीरे करके पानी की बूंद के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और पानी की बूंद में जब परिवर्तित होता जाता है, और जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा, वैसे वैसे वो पानी की बूंद बढ़ती चली जाएगी, और पानी की बूंद जब बड़ी हो जाएगी तो वायु उसको, उसके भार को झेल नहीं पाएगा, और वही पानी बूंदों के रूप में या वर्षा के रूप में नीचे चली जाएगी, और वर्षा होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि वर्षा होने का एक जो सिंपल तरीका है, वो अगर पवन को हम ऊपर उठा देते हैं, तो उस वायु में जो भी एक्स्ट्रा आर्द्रता है वो ठंडी होके पानी की बूंद बन जाएगी और वो नीचे चला आएगा। लेकिन अगर जेट धारा यहां पर स्थापित है, तो नीचे की वायु को ऊपर उठने नहीं देगा, और ऊपर उठने नहीं देगा तो बारिश की संभावना न के बराबर होगी। ठंड के दिनों में जेट धारा अपने आप को उत्तर भारत के मैदान में स्थापित कर लेती है, और उत्तर भारत के मैदान में स्थापित कर लेती है तो नीचे से बारिश होने की संभावना न के बराबर होती है। इसलिए जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं या जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, जब वो एक फोरकास्टिंग करते हैं कि क्या भारत में जून के महीने में बारिश होगी समय पे, तो उस फोरकास्टिंग में सबसे पहले वो देखते हैं कि ठंड के दिनों में जो जेट धारा ने दक्षिणायन सूर्य का हुआ था, उसके साथ अपने आप को उत्तर भारत के मैदान पे स्थापित कर लिया है, क्या ये जेट धारा गर्मी के दिनों में जब सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, तो क्या ये उत्तर की तरफ शिफ्ट हो रही है। और जैसे ही ये मेट्रोलॉजिस्ट इस बात को देख लेते हैं, IMD के एक्सपर्ट्स, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, कि जेट धारा अपने आप को भारत के उत्तर भारत के मैदान से शिफ्ट करके तिब्बत की तरफ चली गई है, वैसे ही IMD कह देता है कि बारिश होगी।
बारिश होने की संभावना बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब हवाएं तेज गति से इस तरफ मूव करेंगी, हिमालय के साथ साथ ऊपर उठेंगी, ठंडी होंगी और बारिश कर देंगी। इसका मतलब है कि जेट धारा का जून जुलाई अगस्त में भारत में न रहना बेहतर है। अगर ये भारत में स्थापित रहेंगी, भारत पे रहेंगी या भारत के उत्तर भारत के मैदान पे स्थापित रहेंगी तो भारत में बारिश नहीं होगी या मानसून लेट आएगा, ये हवाओं को आने नहीं देंगी, है ना, और हवाएं आएंगी नहीं, ऊपर नहीं उठेंगी तो बारिश नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि गर्मी के दिनों में जेट धारा का भारत के उत्तर भारत के मैदान से उत्तर तिब्बत की तरफ शिफ्ट होना जरूरी है। बाकी इसकी चर्चा विस्तार से आने वाली क्लासेस में करेंगे। इसका मतलब है कि जेट धारा भारत के मानसून से जुड़ी हुई है, ठीक है। और बाकी एक दो और बातें हैं, उसको पूर्वी जेट धारा कहते हैं, वो भी तिब्बत से जुड़ा हुआ है, उसकी चर्चा आगे की क्लास में विस्तार से करेंगे, ठीक है। अभी मजा नहीं आएगा, केवल इतना ही आप लोग अगर डाइजेस्ट कर लें, इतना ही अगर आप लोग साध लें तो समझिए कि जेट धारा आसान हो गया, क्लियर है। उष्णकटिबंधीय जेट धारा, यह एक मौसमी उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा, इसकी चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यह अभी नहीं समझ में आएगा, इसको समझाने के लिए थोड़ा मानसून समझाना पड़ेगा। तो यहां पर ये नोट्स इसलिए बना दिए हैं कि जेट वाला सारा चीज एक जगह पे हो, लेकिन इसको हम मानसून में समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि मानसून में भारत के मानसून, क्योंकि अभी हवा कैसे आती है, किधर से आती है, बारिश कैसे होती है, बहुत सारी चीजों को समझाना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। केवल फोकस करिए जेट धारा पे, केवल दो जेट धारा को समझिए आप अभी, है ना। दो जेट धारा मतलब एक उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा, ये क्लियर होना चाहिए, और दूसरा आपको ये पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम या ये वाला टॉपिक क्लियर होना चाहिए, है ना, ध्रुवीय वाताक जेट स्ट्रीम। बस ये दो चीजों को अभी क्लियर करिए, बाकी ये जो तीसरा पहलू है ना, पूर्वी जेट धारा, ये नोट्स के रूप में आपके सामने रख दिए हैं, इसकी चर्चा भारत के मानसून की क्लास में विस्तार से करेंगे, लेकिन नोट्स के रूप में आपके पास होना चाहिए, इसलिए ये पॉइंट यहां पर है, ठीक है। तो इसकी चर्चा नहीं कर रहे, तो इसको लेके मतलब घबराइएगा नहीं कि सर ने नहीं बताया, नहीं कराया, विस्तार से कराएंगे, ये नोट्स के फॉर्म में एक ही जगह आपके पास रहेगा तो ज्यादा अपेक्षाकृत आसान रहेगा। ये सब उसी से जुड़ा हुआ पहलू है, इसकी चर्चा भारत के मानसून की क्लास में आगे करेंगे, ये दो तीन पॉइंट्स हैं, उसकी चर्चा आगे करेंगे, है ना। बस जेट स्ट्रीम का महत्व ऐसा समझ लीजिए इसको कि ये पॉइंट है, इसको समझाना है कि चक्रवात, साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, इनको बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, भारत के मानसून में जेट स्ट्रीम का महत्व है। अब इन दोनों चीजों को तो समझाया नहीं है, है ना, तो ये नोट्स के रूप में यहां लिखा हुआ है, लेकिन जब चक्रवात कराएंगे तो जेट स्ट्रीम से जोड़ेंगे, जब मानसून कराएंगे तो उसको जेट स्ट्रीम से जोड़ेंगे। तो अभी अगर अभी इसको मानसून से जोड़ें तो मानसून के साथ भी न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मानसून के लिए थोड़ा और कुछ क्लाइमेटोलॉजी के कॉन्सेप्ट, वर्षा होती है तो बादल कैसे बनता है, बादल बनने की प्रक्रिया क्या है, उन सब चीजों को पहले समझ ले, फिर बारिश की चर्चा कर लेंगे। मॉनसून में बारिश ही तो होती है, पहले बारिश होती कैसे वो तो समझ लें, ड्यू पॉइंट क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, उन सब चीजों को तो समझ लें, आद्रता क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, सापेक्षिक आद्रता क्या होता है, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है, पहले उन सबको कर लें और फिर यहां पर देखेंगे कि भारत के मानसून या वर्षा को कैसे प्रभावित करता है। ये चक्रवात में भी बारिश ही होती है, तो पहले वैसे कुछ कॉन्सेप्ट को बना लें, फिर उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे, क्लियर है, एक समझदारी बनी इसको लेके। चलिए, तो हम लोगों ने जो है जेट धारा के कॉन्सेप्ट को चर्चा किया, थोड़ा सा जेट धारा का कुछ कॉन्सेप्ट आपके पास अभी रह गया है, पूर्वी जेट धारा, उसको मानसून से जोड़ना है, इसलिए उस टॉपिक को अभी थोड़ी देर के लिए लेफ्ट कर दिए, छोड़ दिए, है ना, मानसून में उसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। तो ये जेट स्ट्रीम से रिलेटेड जो पहलू थे उसके कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस कर लिए। अगर यहां तक पूर्वी जेट धारा को छोड़ के बाकी के दोनों जेट स्ट्रीम्स आपको क्लियर हो गई तो कमेंट करके बस मुझे बता दीजिए कि समझ में आया या नहीं समझ में आया। क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ इसको लेके बस मुझे बता दीजिए। चलिए, अब जेट धारा हम लोगों ने क्लियर कर लिया, जेट धारा के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझ लिया। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि आर्द्रता को भी समझना पड़ेगा, है ना, बारिश कैसे होती है, बारिश की बूंदें कैसे बनती हैं, उन सारे पहलुओं को देखना समझना है। तो उस पूरी प्रक्रिया में अब इस अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। जेट स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने विस्तार से समझ लिया है। अब आर्द्रता का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है
इस कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता तथा वर्षण, क्योंकि जेट स्ट्रीम का अगला पहलू है भारत के मॉनसून को समझना, और मॉनसून के लिए मतलब वर्षा को समझना। तो वर्षा को समझने से पहले वर्षण क्या होता है, वर्षा कैसे होता है, मेघ का निर्माण क्या होता है, आर्द्रता क्या होता है, इन सब कॉन्सेप्ट्स को चर्चा करते हैं, है ना। इन सब कॉन्सेप्ट्स की विस्तार से एक समझदारी बनाते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता एवं वर्षण, वायुमंडल में आर्द्रता है ना, ये आर्द्रता होता क्या है, कितनी आर्द्रता होगी कि बारिश की संभावना बनेगी, ये सारे कुछ पहलू हैं। तो हमको आज का जो मतलब जो टॉपिक है, जो जिस पे हमको साधना है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में शुष्कता और आर्द्रता, ये सब इस बात पे निर्भर करता है कि वायुमंडल में आर्द्रता कितनी है। आर्द्रता कम होगी तो शुष्क मौसम हो जाएगा, आर्द्रता ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि ह्यूमिड होगा, बारिश की संभावना होगी, है ना, एक ऐसी स्थिति होगी। तो हमको इसको समझने के लिए, आर्द्रता को समझने के लिए, वायुमंडल में जो आर्द्रता है वो जलवाष्प भी तो है, तो जलवाष्प को देखेंगे। 0 से 5% के बीच में वैरी करता है ना, वायुमंडल में जो गैसों का कंपोजिशन है, ठीक है। थोड़ा नेटवर्क का कुछ इश्यूज आ रहा है आपकी तरफ से भी, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता यानी कि अगली क्लास में या नेक्स्ट क्लास में हम जो चर्चा करेंगे वो वायुमंडल की आर्द्रता तथा वर्षण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जलवाष्प क्या होता है उसको देखेंगे, कि कोई भी हवा होती है तो उसका कुछ सामर्थ्य होता है, कितनी आर्द्रता अपने साथ रख सकती है, तो वायु की आर्द्रता का सामर्थ्य कैसे तय होता है उसके बारे में आगे देखेंगे। वायुमंडल में या वायु में कितनी आर्द्रता है इसको हम कैसे जाने, इसके लिए हम इसको कैसे परिभाषित करें, हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट है, तो उसमें देखेंगे। एक निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, उसके सापेक्षिक आर्द्रता के क्षैतिज है ना, एक जगह से दूसरे स्थान, और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखेंगे, है ना, और सापेक्षिक आर्द्रता का महत्व क्या है उस चीज को देखेंगे। वायुमंडलीय आर्द्रता अलग अलग प्रकार की होगी, है ना, या आप कह सकते हैं कि जो जलवाष्प ऊपर गया है जब वो ठंडा होगा तो अलग अलग रूप में होगा, वो क्या क्या हो सकता है, ओस हो सकता है, तुषार हो सकता है, कोहरा कुहासा, ऐसे कुछ चीजें होंगी। तो यहाँ पर फॉग पे एक बड़ा सवाल बन सकता है, ओवरऑल आर्द्रता के ऊपर सवाल बन सकता है कि आर्द्रता के प्रकार बताइए। तो इस पूरी प्रक्रिया में संघनन के विविध रूपों के बारे में आपको विस्तार से चर्चा करने की जरूरत पड़ेगी, क्लियर है। तो इसको देखेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे आने वाली क्लासेस में कि ये क्या है, है ना। तो संघनन के संदर्भ में ये जो आप देख रहे हैं कोहरा, ये महत्वपूर्ण है। थोड़ा फ्रॉस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये जो संघनन की प्रक्रिया है, तो संघनन की प्रक्रिया से ही बादलों का निर्माण होता है। कितने प्रकार के बादल होते हैं, अगली क्लास में इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे, है ना। जितने भी प्रकार के बादल होते हैं, वो वर्षा करते हैं नहीं करते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है उसको देखेंगे। तो मेघों का निर्माण कैसे होता है उस प्रक्रिया को समझेंगे, और मेघों के वर्गीकरण को देखेंगे। वर्षा का जो स्वरूप है, कितने प्रकार से दुनिया भर में बारिश होती है, किस किस प्रकार से बारिश होती है, उन सब पहलुओं को देखेंगे। तो तीन प्रकार से जनरली बारिश होती है, एक को संवहनीय वर्षा कहते हैं, एक को पर्वतीय वर्षा कहते हैं, और एक को चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। तो तीन प्रकार से वर्षण होता है, इन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। और वर्षण के संदर्भ में जो वर्षा होती है उसके लिए कौन कौन सी आवश्यक दशाएं होती हैं जिससे बारिश होने की संभावना प्रबल हो जाती है उसको देखेंगे। वर्षण के प्रकार तो देख ही लिया, वर्षा का वैश्विक वितरण देखेंगे, दुनिया के किन हिस्सों में बारिश ज्यादा होती है, कहां कम होती है, और वर्षा का मौसमी वितरण देखेंगे कि किस मौसम में अपेक्षाकृत ज्यादा बारिश होती है और किस मौसम में अपेक्षाकृत कम बारिश होती है। अगली क्लास में इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे विस्तार से चर्चा करेंगे और अगली क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में वर्षण और वर्षण के प्रकार और आर्द्रता के बारे में विस्तार से एक समझदारी बनाएंगे, ठीक है। इतना आप लोग पढ़िए, आज जो जेट स्ट्रीम के संदर्भ में चर्चा किए हैं उसके बारे में चिंतन करिए, सोचिए, थोड़ा सोचने के लिए जो आपको दिशा दिए थे उस पर थोड़ा सा सोचना शुरू करिए, क्योंकि आने वाले समय में जेट धारा के ऊपर जनरली प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बनता है, और मुख्य परीक्षा में जब मॉनसून के बारे में पूछा जाता है तो आपको जेट स्ट्रीम के बारे में लिखना पड़ेगा, है ना, समझाना पड़ेगा। तो बाद में उसको मॉनसून के साथ जोड़ेंगे, लेकिन आज वो कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत करिए, और जो भी सवाल हो अच्छे से पढ़ लीजिए और अगली क्लास में पूछिए, क्वेश्चंस एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।